नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवालय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर हर्ष पौजदार। तो सारे के सारे आ जाओ भाई, सभी को बधाइयाँ। इंतज़ार था कि पेपर कब होगा, पेपर भी हो गया और माँ सरस्वती की कृपा से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। लगातार देखो मेहनत चल रही थी, है ना, पूरी एक साल से तो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, डेढ़ दो साल से हम शिवालय में अपने ऑफलाइन बैच चला रहे थे, तो ज़्यादातर बच्चे पेपर अच्छा बता रहे हैं। देखो पेपर अच्छा करके आए, है ना। सबसे पहले मैं पेपर के लेवल की बात कर लेता हूँ। पेपर का लेवल देखो बड़ा ही शानदार लेवल का आया है। 2018 से अपन कंपेयर करें तो पेपर का लेवल काफ़ी ऊपर है। ऊपर मतलब लैंग्वेज को घुमाया गया है। लैंग्वेज जो हिंदी वाली है, मतलब हिंदी में चीज़ को लिखा है, उसको बहुत ज़्यादा हिंदी में कर दिया गया है। मतलब क्या है, अगर हिंदी में लैंग्वेज को कर दिया तो उसका नुकसान हुआ है कि बच्चा अगर जो हिंदी मीडियम से ही पढ़ता आया है, इंग्लिश के बारे में ज़्यादा उसने चर्चा नहीं की, तो वहाँ पर फिर उसने कहीं ना कहीं मात खाई है। क्योंकि हिंदी के साथ में इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी था अगर आज का पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। रीज़न क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर ज़रूरी इसलिए हो गई, हिंदी ज़्यादा टिपिकल दे दी, है ना। तो उस वजह से कहीं ना कहीं बच्चों ने, कई लोगों ने जो हम स्कोर का उम्मीद कर रहे थे कि ये बच्चा भाई 112 115 ठोक के आएगा, कहीं ना कहीं उसके 5-10 क्वेश्चन वो नीचे ही आया है। मतलब पेपर का लेवल अपन काफी हद तक अच्छा मान सकते हैं, है ना। जो लोग आपको डरा रहे हैं, कहीं ना कहीं डर भी आपके मन में पैदा कर दिया होगा, कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी। कट ऑफ यहां पर मैं बताऊंगा, साथ में आज हमारे डीएस राठौड़ सर जो शिवालय की धुरी है, है ना, शिवालय का जो नाम है, कहीं ना कहीं जो पिछली बार भी फर्स्ट रैंक देने में जिनकी सबसे बड़ी भागीदारी, वो भी आपके सामने आ जाएंगे, आपके क्वेश्चंस का जो डाउट है वो क्लियर करने। तो फिलहाल आप लाइक शेयर करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे भाई सारे के सारे, और यहाँ पे अपन चालू करते हैं। और मैं अपनी जो भी आंसर की हम बताने जा रहे हैं, तो वो आंसर की आपकी ऐसे मानो 99% जो है वो एकदम परफेक्ट है। बाकी जो एक दो क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा किन क्वेश्चन में बोर्ड का आंसर भी डिपेंड करेगा कि बोर्ड क्या आंसर देता है, है ना। तो लगभग 99% अपन आंसर की को परफेक्ट मान सकते हैं। उसी के साथ में स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे लोग आ जाओ भाई, शेयर करेंगे, ठीक है। कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस होगा, हर चीज़, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ भी बताई जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी इस बार पिछले वाले पेपर से, और साथ में जो संख्या बढ़ी है, पिछली बार का पेपर 17-18 हज़ार लोगों ने दिया था, इस बार का लगा लो 28-30 हज़ार लोगों ने दिया है, तो संख्या भी बढ़ी है और पेपर का लेवल भी उसी हिसाब से क्या है, अच्छा आया है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी आपको डिस्कस की जाएगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई, जैसे देखो आपके सामने ये है पहला क्वेश्चन, मैं डिस्कस करूं इसमें 41 है। रूमंथी पेट के निम्नलिखित चार खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में नहीं जाना जाता। मतलब यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है भाई, यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि इसमें से ट्रियोस्टोमक कौन सा है, ठीक है, कि ट्रियोस्टोमक किसे कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आता है, ट्रियोस्टोमक पूछना चाह रहा है। तो ट्रियोस्टोमक कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें एवोमेजम को अपन क्या बोल देते हैं, सत्यामाशय बोल देते हैं, ट्रियोस्टोमक बोल देते हैं। ट्रियोस्टोमक का मतलब क्या है, यहाँ पर भाई सारे के सारे वही माहौल होता है जैसा कि मोनोगैस्ट्रिक वाले स्टोमक के अंदर होता है, वही उसमें एसिड होगा, वही उसके अंदर पीएच लो होगी, है ना, वो सारी चीजें एंजाइम होंगी, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अपन 41 के अंदर बात करें तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, डी आंसर जाएगा। पेपर के लेवल की मैं बात करूं, है ना, वो काफी हद तक टफ आया है ना। 2018 से कंपेयर करने के लिए एक बार मैं डीएस सर को अभी बुलाता हूं आपके सामने मंच पे, है ना। डीएस सर आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देंगे भाई पेपर का लेवल कितना टफ है, कितना क्या रहा है ना। एक बार थोड़े से अपन क्वेश्चन आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें भाई आंसर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा कि स्टोमक में ट्रियोस्टोमक कौन सा हो जाएगा, एवोमेजम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 41 के बाद में 42 की मैं अगर बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं है। देखो इसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज नॉट अ जॉइंट ऑफ फोरलिम, फोरलिम का जॉइंट इनमें से कौन सा नहीं है, है ना। तो फोरलिम का शोल्डर जॉइंट की बात करें तो किसका है भाई, शोल्डर जॉइंट की बात करें तो फोरलिम का है, सबको पता है। एल्बो जॉइंट भी किसका है, फोरलिम का है। स्टाइफल जॉइंट की अपन बात करें तो किसका है भाई, हाइंडलिम का है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। देखो ये जो अपन ने लास्ट गैस पेपर बना के ग्रुप में डाला था, है ना, ग्रुप में लास्ट गैस पेपर में ये क्वेश्चन डाला गया था। मतलब मैं बात करूं, गैस पेपर मिला लो साथ में शिवालय क्लासेस की लाइव क्लासेस मिला लो, उसमें से एग्जैक्ट अपन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके 70 क्वेश्चन ऐसे कैसे आए, है ना। एक्सटेंशन का लेवल थोड़ा सा हाई रहा है भाई यहां पर। डीएस सर को बुलाओ पहले सर, प्लीज। डीएस सर की भयंकर डिमांड आ रही है भाई, डीएस सर कभी कभी दर्शन देते हैं देखो, है ना। तो डीएस सर को बिल्कुल बुलाया जाएगा, एकदम टेंशन फ्री रहो तुम। गुड इवनिंग, नमस्कार, सारे के सारे आ जाओ, कट ऑफ का भी डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ बताने के लिए मैं डीएस सर को बुलाऊंगा, एक बार अपन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें अगला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन कैटल एंड बफेलो, गाय और भैंस में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है। देखो इसमें भी अपन बात करें,
इस क्वेश्चन को तो इतना डिस्कस किया, सबको पता है 0033/40/33 मतलब इस वाले दांत का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। ICPM मतलब जो कैनाइन है वो वाला दांत क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई, एब्सेंट हो जाएगा। तो अपन बात करें तो कौन सा एब्सेंट होता है इनमें, कैनाइन एब्सेंट होता है। एकदम इजी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन की मैं आपको बात करूं, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन गिने हैं आपके 65 क्वेश्चन, ठीक है। अपन माने 60 से 65 क्वेश्चन का जो लेवल है एकदम ईजी है, मतलब उनमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी है, उनमें ज्यादा लैंग्वेज घूमी भी नहीं है। और अपन इस पे बात करें 15 से लेके 20 क्वेश्चन, इसको अपन टफ की श्रेणी में रख सकते हैं भाई। क्वेश्चन देखो पिछली बार 2018 में मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दो, उनके अलावा कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन 15-20 हैं जो जिनका लेवल काफी अच्छी हद तक डाला गया है। उसमें एक्सटेंशन और जेनेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। और अपन बात करें किसकी, फार्मा में भी कुछ क्वेश्चन है, डीएस सर को बुलाओ। चलिए तो आपकी भाई डिमांड पे डीएस सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा। कट ऑफ के बारे में डीएस सर आपको थोड़ा बताएंगे अभी। सर कट ऑफ बताओ, बिल्कुल कट ऑफ के बारे में डीएस सर आपको भी डिस्कस करेंगे। तो डीएस सर स्वागत है आपका। जी सर, इसी को चलने दे, इसको लगा लो यहीं पर। बस नमस्कार साथियों, बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोगों के सामने लाइव आऊं और आज मौका मिला है मुझे लाइव आने के लिए आप लोगों के बीच में। देखिए पेपर के पैटर्न की बात हम पहले कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगी, कैसा होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए ये एक वाजिब क्वेश्चन है, जब भी स्टूडेंट परीक्षा दे के आता है तो उसके जहन में एक ही सवाल आता है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज क्योंकि हम आंसर की पे फोकस करेंगे और उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए आंसर की के अंदर जो पहले मैं पेपर की बात कर लेता हूँ, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल अगर मेरे से पूछा जाए वास्तविक तौर पे तो उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी, लेकिन हाँ हम सोचें आंसर के अंदर तो आंसर स्पष्ट तौर पे एकदम क्लियर दिए हुए थे आंसर, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने में बहुत समय लग गया। और बहुत जब समय लग जाता है स्टूडेंट को तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। दूसरी बात कि यहाँ पर हमें इतना लेंथी पेपर आने का क्या रीज़न है। देखिए ये जो पेपर बनाया गया है, संभवतः ये पेपर मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी कमेटी ने डिसाइड किया है, क्या इनका रीज़न रहा था मालूम नहीं, लेकिन इस पेपर का लेवल मैं मानता हूँ कि ये मीडियम से थोड़ा सा हाई लेवल का था। इस तरह के क्वेश्चन जनरली BVSC एंड AH के पेपर में आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके कोर्स से भी थोड़ा सा मुझे लगा आउट ऑफ थे, जैसे एक्सरे का या नर्वस सिस्टम आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एक्सटेंशन के अंदर लैंग्वेज बड़ी दे दी गई, लेकिन उसको अगर समझेंगे आप छोटे तौर पे तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर है, लगाते वक्त जब आंसर की आप लगा कर आए हैं तब आपके जहन में क्या उसका आंसर था और अभी उसके क्या आंसर होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो कट ऑफ होगी उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको जैसे क्वेश्चंस डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं आपको, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप नोट करते जाइए, ये क्वेश्चन ईजी की श्रेणी में। और इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो 60 से 65 ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको सोचने पे जरूर विवश किया गया है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जैसे एक ही क्वेश्चन सभी नीचे आएगा तो वो उसकी लैंग्वेज के अंदर देखा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास में फ़ोन आ रहे थे कि सर इसका 2 होगा, स्टमक कितने होंगे ऊँट के अंदर, 3-2, बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस को इन्होंने डाला गया, लैंग्वेज टिपिकल की गई है। तो मैं कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा, डॉक्टर साहब अभी पूरे आंसर की को सॉल्व कर रहे हैं, बीच बीच में मैं आऊँगा आप लोगों से मिलने, जब तक आप एक बार इसको सॉल्व करिए और जहाँ हमें प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर ये क्यों आया। जी सर, थैंक यू सर। तो एक बार अपन आंसर की के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मेरिट कितनी जाएगी क्या जाएगी उसका डिस्कशन भी डीएस सर और मैं मिलके आपको बताएंगे कितनी यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। तो फटाफट अपन आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें 43 में मैं बात करूं तो आंसर क्या जाएगा, इसमें आंसर जाएगा भाई कैनाइंस, ठीक है ना। कैनाइंस दांत क्या होते हैं गाय भैंस के अंदर, सबको पता है भाई, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 44, तो देखो 44 के अंदर अपन बात करें कितने पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, मतलब क्रेनियल नर्व कितने जोड़ी होती हैं, 10 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। मेरे हिसाब से आपने सुना ही इतना होगा कि ह्यूमन के अंदर भी 12 जोड़ी होती हैं। देखो इसको डालना नहीं था, नर्व वगैरह जो है आपके ज्यादा सिलेबस में नहीं है, फिजियोलॉजी में बात करें नर्व सिस्टम आपके है ही नहीं, ठीक है ना, फिर भी डाला गया है। तो इसका आसान है, देखो आंसर डाल दिया है तो 12 जोड़ी, क्योंकि इंसान कुत्ता मानव बात अपन क्लास में करते रहते हैं कि कुत्ता मानव साथ में चलेगा हर चीज में, पूरी फिजियोलॉजी में कुत्ता मानव साथ में चलता है, मतलब जितना इंसान में उतना ही कुत्ते के अंदर सारी चीजें चलती है। तो कुत्ते के अंदर भी कितनी जोड़ी हो जाएंगी, 12 जोड़ी हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें 45 है, देखो ये भी आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पर,
है ना, लेकिन डाला है तो आंसर भी लगेगा। इसका कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हो। कॉमन सेंस से कैसे देंगे गुरुजी? तो देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आपको इतना पता है कि तंत्रिका तंत्र जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ब्रेन है और दूसरा क्या है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसमें ऐसी चीज ढूंढ लो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है, एक ही चीज है। देखो, वर्टीब्रल कॉलम तो हड्डी हो गई, हो ही नहीं सकता। एड्रिनल ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, थायराइड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, तो ब्रेन से रिलेटेड कौन है यहाँ पर? हाइपोथैलेमस। तो सीधी सी बात है क्या आंसर जाएगा इसमें? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। किसको भाई? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। वैसे अनैच्छिक होता है आपको पता होगा, पर ये देखो मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन इसमें आपका डाला गया है, ठीक है। 46 की मैं बात करूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूरिनरी ब्लैडर, देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लाइव में बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन डाला गया है, क्लास में भी हम सारे टीचर्स इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। नहीं होने का कारण क्या है? इजी वाली श्रेणी का क्वेश्चन है भाई। नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि भाई इसको उड़ना है, और उड़के पानी लेके थोड़ी उड़ेगा, पानी लेके नहीं उड़ेगा। तो कुल मिला के अपने वजन को हल्का करने के लिए ब्लैडर क्या होता है यहाँ पर? एब्सेंट होता है, ठीक है जी सर। डी एस सर, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखो, इसके अंदर अगर आप देखोगे, इन कैमल हाउ मेनी कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चों ने बहुत नेगेटिवली लिया है। क्या कैमल को आउटसाइड से देखेंगे या कैमल के स्टमक को आउटसाइड से देखेंगे? आपसे वो पूछना यही चाहता था कि कैमल सूडो रूमिनेंट्स है या रूमिनेंट्स है, यानी उसके कंपार्टमेंट कितने हैं स्टमक के अंदर? उसके कंपार्टमेंट तीन ही हैं। यहाँ पर उसने कैमल को लाइव देखने के लिए बात नहीं करी है, यहाँ पर बात हुई है कि जब स्टमक को बाहर निकाला जाएगा तो स्टमक के अंदर कितने कंपार्टमेंट आएंगे, और स्टमक में जो कंपार्टमेंट आते हैं वो तीन रहेंगे, और यहाँ पर ये तीन आंसर इसका राइट जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो इसे टिपिकल क्वेश्चन कहेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर ज़्यादा सोचे नहीं, विचार नहीं करें, और दो आंसर के लिए लोग बाग, कई लोगों ने मुझे फोन किया कि सर बाहर से दो दिखता है, बाहर से एक ही दिखता है स्टमक, क्या गाय के आप स्टमक दो देख सकते हो या कैमल के आप तीन स्टमक दो स्टमक बाहर से देख सकते हो? स्टमक के कंपार्टमेंट की बात की गई है, ना कि पूरे ओवरऑल स्टमक बाहर से कैसा दिखता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो है आंसर तीन जी सर। जैसे कि काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, देखो बाहर से दिखने पे ऐसे तो स्टमक दिखेगा ही नहीं भाई, बाहर से तो ऊंट दिखेगा। अब उसका स्टोमक देखना है तो अंदर अपन जाके, चलो अपन उसका डिसेक्शन करें, अंदर जाके देखें तो उसके अंदर भी अपने को बाहर से देखने पर कुल मिला के तीन कंपार्टमेंट दिख जाएंगे। तो देखो, इसका जो मेन, क्योंकि आपको एलएसए में इतना घुमा के नहीं पूछेगा कि बाहर से भी आप किस तरीके से चैम्बर, क्या कुछ नहीं, अरे तीन चैम्बर होते हैं, वही पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो बोर्ड 99% इसका आंसर तीन देने वाला है, बाकी देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। तो देखो इसका आंसर, देखो शिवालय क्लासेस की तरफ से तीन होगा, है ना, कितने चैम्बर होंगे? तीन होंगे। चलिए अगले बात करें, द ऑर्गन ऑफ फोनेशन, मतलब अरे देख ले रहे यार, पिछली बार सिरिंग्स पूछा था, इस बार लैरिंग्स पूछ लिया। साउंड बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन है? लैरिंग्स है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? बी आंसर जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को ये तो इतना फेमस हो गया सिरिंग्स आने के बाद में कि सबको वही उम्मीद है कि इसको तो गलत करके नहीं आए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्लेटलेट्स आर नोन एज, सबको पता है भाई कि अपन बात करें एरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी को कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, और थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? बी आंसर जाएगा। तीन करके, बिल्कुल तीन करके आए, उनका चांस है कि भाई क्वेश्चन सही होगा, है ना। तो तीन ही उसके अंदर आंसर जाएगा, याद रखें। चलिए तो अगला बात करें 50वें क्वेश्चन की, द यूजुअल येलो कलर ऑफ द यूरिन इज डेराइव्ड फ्रॉम। देखो यूरिन का जो येलो कलर है, कैरोटीन हो ही नहीं सकता, गाय के दूध के पीले रंग का कारण कैरोटीन होता है। यूरिया ना रंग से कोई मतलब नहीं है, यूरिक एसिड ना मतलब ही नहीं है रंग से इसका। तो बिलीरुबिन एक क्या है? एक क्या है? पित्तवर्णक है, और पित्तवर्णक है तो कुल मिला के किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित होगा? ये रंग से संबंधित होगा। देखो इसमें भी एक चीज है, आपने पढ़ा होगा, जैसे मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जिम्मेदार होता है किसके लिए? मूत्र के पीले रंग के लिए। तो यूरोक्रोम कुछ नहीं है, बिलीरुबिन के ही उपापचय के द्वारा किसका निर्माण होता है? यूरोक्रोम का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इसके अंदर आंसर क्या चला जाएगा भाई? इसके अंदर आंसर चला जाएगा बिलीरुबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो इसमें काफी बच्चे गलत करके आए। देखो जैसे मैं बच्चों से डिस्कस कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? ईसीजी देखो एक मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस मशीन का नाम होता है। इस ग्राम से ग्राफ निकलता है, मतलब
ईसीजी मशीन जब चलाओगे किसी का ईसीजी आप जानवर का लोगे तो उसके अंदर मशीन को तो ईसीजी को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं और उससे जो ग्राफ निकलता है उसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर सी आंसर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। पावर हाउस रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका का पावर हाउस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा भाई, कोशिका का शक्ति घर कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है 54। ठीक है, 54 की अपन बात करें तो 54 में व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल। सबको पता है यार ADEK, ये तो फैट सोल्यूबल है ADEK। अपन उसके अलावा अपन बात करें तो दो ही विटामिन बचती है, कौन सी? विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन सी किस में चली जाएगी भाई? वाटर सोल्यूबल के अंदर चली जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा इसका? बी आंसर जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। डायबिटीज मेलाइटस की अपन बात करें, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस की अपन बात करें, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो डायबिटीज मेलाइटस एक लाइव क्लास में पूरा का पूरा समझा रखा है इसमें, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है क्या नहीं होता। तो सीधी सी एक चीज तो आपको पता होगा कि डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ना डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, सॉरी मैं बात करूं इंसुलिन की, तो ये क्या कह रहा है? इनसफिशियंट इंसुलिन, मतलब इंसुलिन कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। दूसरी में बात करूं इनसफिशियंट इंसुलिन, इसमें भी कह रहा है कम होने की, इसमें एक्सेस इंसुलिन ना ना इंसुलिन ज्यादा नहीं होगा, इंसुलिन कमी होगी, मतलब इन दोनों में से एक आंसर जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए रक्त शर्करा क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर रक्त शर्करा बढ़ जाती है, तभी तो मूत्र के अंदर क्या आती है भैया, शर्करा आती है, ग्लाइकोसूरिया होता है कि नहीं होता, अरे मूत्र पर चींटियां लगती है कि नहीं लगती, उसी से सोच लेते कि भाई ग्लूकोज लेवल तो बढ़ जाएगा और इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या आंसर चला जाएगा इसके अंदर? ये आंसर चला जाएगा। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं ज्यादातर लोग, सही करके आया मतलब। तो ये क्वेश्चन तो भाई अपना बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। लाइव क्लास की बात करूं तो 65 से 70 क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कशन लाइव क्लास में किया हुआ है उससे पूछे गए सारे के सारे। डिस्कशन ले लो, क्वेश्चन ले लो सारा का सारा, ठीक है ना। और ऑफलाइन क्लास की बात कर दूं तो अपने एग्जैक्ट भैया 75 क्वेश्चन सारे के सारे, और जो 5 क्वेश्चन उनकी लैंग्वेज घुमाई गई है बस, ठीक है ना। बाकी पेपर सारा का सारा शिवालय क्लासेस की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास से आया है भाई, ठीक है। तो ये हो गया 55, 56 की अपन बात करें। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, लो भाई कर लो बात, कल परसों ही ग्रुप में डाला था क्वेश्चन कि सीरम और प्लाज्मा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देख क्या होगा, खून निकला, थक्का बना, थक्का बनने के बाद में फिब्रिनोजन काम में आ गई, फिब्रिनोजन काम में आ गई तो क्या हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, जो पनीला पनीला मतलब पानी पानी सा दिखता है वो क्या होता है, सीरम होता है। तो फिब्रिनोजन को हटा दो, क्लॉटिंग प्रोटीन को, तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, सीरम बचेगा। तो क्या आंसर जाएगा 56 का आंसर चला जाएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें 57 की, तो देखो ये डीएस सर ने ये क्वेश्चन, इसके बारे में डीएस सर आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन रिसेंट में सर ने क्लास में बताया है। सर देखिए अभी आने वाले पिछले दो तीन दिनों के अंदर एक क्वेश्चन में आपको ग्रुप में डाल रहा था। एक्चुअली में जब मक्खियों के द्वारा जब इन्फेक्शन होता है उसे हम मियासिस कहते हैं, और मियासिस को मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था और बहुत सारी बार मैंने बताया भी था, या तो नेजल बोट के बारे में पूछेंगे आपसे या मैगट वुंड के बारे में पूछेंगे। इन्होंने पूछा है ट्रॉमेटिक, यानी जहाँ पे ट्रॉमा हो जाता है। बहुत सारी मक्खियाँ प्राइमरी होस्ट होती हैं, सेकेंडरी होस्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ मक्खियाँ उसके अंदर वुंड कर देती हैं और उसके बाद वहाँ पर एग्स वो दे देती हैं, ठीक है। उनके लार्वा जब डेवलप होते हैं तो उन्हें मैगेट वुंड कहा जाता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर था, और शिवालय का हर बच्चा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन करके आया होगा कि मियासिस को मैगेट वुंड कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि मियासिस होता क्या है, पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि पैरासिटोलॉजी का कोर्स आपके बहुत लिमिटेड कोर्स है, और पैरासाइट आपके जो पैरासिटोलॉजी आपके कोर्स में नहीं है। जब कोर्स में नहीं होता तो बच्चे ध्यान नहीं देते, हमेशा एक शिकायत करते रहते थे कि सर हमें पैरासाइट याद नहीं रहते, कौन से पैरासाइट इंटरनल हैं, कौन से एक्सटर्नल हैं, कौन से राउंड वर्म है, टेप वर्म है। उसमें से सिर्फ एक सवाल आया है और वो है मियासिस के बारे में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है शिवालय का हर बच्चा इसको सही करके आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हैं और उनको आगे लेते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चंस है जिसके अंदर इन्होंने पूछा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सुडेशन सिस्ट। एक्सुडेशन सिस्ट के अंदर क्या होता है कि फ्लूड इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सलाइवरी सिस्ट इसका आंसर नहीं होगा, रेन्यूला और सलाइवरी सिस्ट के अंदर ही रेन्यूला होती है जो कि रिटेंशन टाइप की सिस्ट होती है, जहाँ पर कोई भी नलिका जिसका रुकावट हो जाती है उसके अंदर ये रेन्यूला आती है। हनी सिस्ट भी नहीं होगा, हनी सिस्ट और रेन्यूला एक ही है। और यहाँ पर जो आंसर जाएगा, देखिए आप अगर तीनों को देखेंगे ना, आंसर को अगर एग्जैक्टली पढ़ेंगे तो ये तीनों एक ही टाइप के हैं। अब आपको छांटने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज कई बार इन्होंने टिपिकल बनाई है, नो डाउट लैंग्वेज टिपिकल होने की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर जाएगा हाइड्रोसील के अंदर, जो शरीर के अंदर एक्सुडेशन की वजह से होती है। देखिए इन विच मेथड ऑफ कास्ट्रेशन अ बर्डिजो कास्टेटर इज यूज। एक चैप्टर आपके सर्जरी में चलता है जिसमें हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जो कि सर्जरी में यूज होता है। यहां पर आप देखो कि बर्डिजो बहुत बेसिक जो आपके इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में पूछा गया है। बर्डिजो में हम कभी भी ऑर्गन को ओपन नहीं करते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जाएगा इसका क्लोज मैटर, ना तो सेमी ओपन करेंगे ना कोई छोटा सा इंसिजन भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड को दो बार क्रश कर देते हैं और इसका आंसर जाएगा बर्डिजो। तो जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करे अभी 40 से लेकर 59 तक आ गए, यानी लगभग 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, 20 में से सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगा है डाउटफुल, जहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते थे, जिसमें कैमल के स्टमक के बारे में बात करी गई है, और वो कैमल के जो स्टमक की बात करी गई है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 नंबर, कलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एन अबनॉर्मल कैविटी इज टर्मड। देखिए जब हम वुंड पढ़ रहे थे तो उस समय बताया था त्वचा के नीचे जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है, देखिए त्वचा के नीचे कोई नॉर्मल कैविटी नहीं होती है, ये अबनॉर्मल कैविटी होती है। अब आप देखेंगे कि ब्लड इकट्ठा किस किस में होता है, कंट्यूजन के अंदर चोट में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, बट कंट्यूजन में एक शर्त होती है कि वो कौन सी डिग्री का कंट्यूजन है। अगर वो सेकंड डिग्री का कंट्यूजन होता है तो उसमें आता है हीमेटोमा, और इन्होंने राइट आंसर दे रखा है। दूसरे आंसर को आप मिला के देखोगे तो वो आसपास भी इसके सेट नहीं होते हैं, ब्रूइश होती है जिसमें नीला पड़ जाता है, ब्लड इकट्ठा नहीं होता है ब्रूइश में। परफोरेशन का मतलब होता है छिद्र हो जाना, जब कोई ऑर्गन के कैविटी के संपर्क में आ जाता है घाव, उसे परफोरेशन कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, इसका आंसर आएगा डी हीमेटोमा। ये क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस था, इसके लिए मुझे भी ये बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि एक्सरे आपके कोर्स में ही नहीं है, ना ही फ्लोरोस्कोपी ना ही एक्सरे आपके कोर्स के अंदर है। तो एक्सरे के अंदर ये पूछ रहे हैं कि अब्सॉर्ब डोज, जो डोज एक्सरे की किरणें निकलती हैं उसके बाद बॉडी में अब्सॉर्ब होती है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है रोएंटजन। रोएंटजन इन्होंने यहाँ नहीं दिया, इसको इन्होंने माना है रेड या ग्रे, ये दोनों एक ही बात है, और ये बहुत कम मात्रा के अंदर होती है, इसका आंसर जाएगा रेड। कोर्स में नहीं था इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये शिवाले वालों के लिए एक नंबर पूरा करके जाएगा। बहुत बार हमने फ्रैक्चर के बारे में चर्चा करी और मैंने हर बार आपको बताया कि फ्रैक्चर के अंदर आपको एक सवाल निश्चित है, हालांकि मैं खुद सरप्राइजिंग हूँ कि फ्रैक्चर में इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे हीलिंग के बारे में। और हीलिंग के बारे में हमने एक ऑर्डर पढ़ा था जिसमें चार प्रोसेस होते थे, सबसे पहले जब हीलिंग होगी स्टार्ट तो वहाँ पर हीमेटोमा बनेगा, फिर वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे, फिर वहाँ पे बोनी टिश्यू आएंगे, और लास्ट में बोनी कैलस बनने लग जाता है, सेकेंडरी बोनी कैलस। तो इसका आंसर जाएगा ए। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया, मेजर बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पढ़ते वक्त समय बहुत ख़राब हो गया, और जब समय आपका ख़राब हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा क्वेश्चन हमारा छूट नहीं जाए। और हिंदी में जब आप इसको पढ़ रहे थे तो रक्त गुल्म, बहुत सारे बच्चों को ध्यान है कि रक्त गुल्म होता ही क्या है, बड़े अजीब अजीब से इन्होंने टर्म्स यूज़ किए गए हैं। इसीलिए जब हम क्लासेस लेते थे तो हमेशा एक चर्चा करते थे कि आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना है, और लास्ट तक मैं आपको ये समझा रहा था कि क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इन्होंने दिया हुआ था।
अच्छा, अब की बार एक और इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, पिछले दो बार 2016 और 2018 से इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, और क्वेश्चंस को इन्होंने एक सीरीज में नहीं दिया, कभी बीच में सर्जरी पूछ लिया, कभी बीच में इन्होंने एनाटॉमी डाल दिया, कभी एलपीएम डाल दिया, और अब इन्होंने देखिए एक्सटेंशन का एक सवाल आया है इन्होंने, अ प्रोसेस बाय विच द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, संदेश को सोर्स से रिसीवर के बीच में भेजने का क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर जाएगा कम्युनिकेशन। देखिए बहुत जब किसी को सवाल नहीं करने की इच्छा हो और इस तरह के एग्जामिनर सवाल डाले कि आप इतना लंबा पढ़ें और उसके बाद सवाल करें, तो ये बच्चे छोड़ देते हैं जनरली। इस तरह के सवाल को पढ़ने में बहुत समय लगता है, आप यकीन मानिए कि आपके टीचर्स को भी पढ़ने में इसको समय लगा और समझने में इसको समय लगता है। देखिए क्या पूछा गया, कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन है, ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलेंट्री टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर नीड एंड एस्पिरेशन थ्रू ए जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एंटरप्राइजेज। कुल मिला के ये पूछ रहे हैं कि ये कॉपरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे आपने दुग्ध सहकारी संघ के बारे में बात किया जहाँ पे लोग अपने एक कॉमन उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, इसका आंसर जाएगा कॉपरेटिव। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल है, लैंग्वेज की वजह से भी ये टिपिकल बन गया है, तो अगर इसको कॉपरेटिव किया है तो आपका आंसर सही है, छोड़ सकते थे ये सवाल, इस तरह का सवाल था कि अगर लैंग्वेज में आप फंस रहे हैं तो आपके पास में, मुझे जहाँ तक पता है कि बच्चों को समय कम मिल पाया है, ऑब्जेक्टिव भरने में समय कम मिल पाया है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक बार स्किप कर सकते थे। नेक्स्ट 65। अच्छा बहुत बार बच्चों ने कहा कि सर एक्सटेंशन में बहुत टिपिकल टिपिकल सवाल आए हैं, देखिए एक तो उन्होंने कम्युनिकेशन का पूछा, दूसरा एक कॉपरेटिव का पूछा, अब ये देखिए कितना ईजी सवाल इन्होंने डाला है, डिवाइस थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी सीन, बहुत सिंपल है, कोई प्रक्षेपित नहीं पूछा, कोई प्रोजेक्टेड नहीं पूछा, कोई भी इन्होंने नॉन प्रोजेक्टेड की बात नहीं करी है, सीधा इन्होंने कहा है कि किससे देखा जा सकता है, और इसका आंसर जाएगा विजुअल, इसमें है ही नहीं, या तो ऑडियो को हम देख नहीं सकते, रेडियो को हम देख नहीं सकते, टेलीफोन में हम सिर्फ बातें सुन सकते हैं, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन जाएगा और इसमें विजुअल। अब पूरे क्वेश्चन को लगभग 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इन 25 क्वेश्चन में से अगर टिपिकल की श्रेणी में देखा जाए तो मैं अब तक 3 क्वेश्चंस को टिपिकल की श्रेणी में रखता हूं, ठीक है, एक्सरे वाले को मैं टिपिकल की श्रेणी में इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स था, तो उसकी उम्मीद ना तो आपसे की जाती है और ये एक बेमानी होगा कि आपको वो क्वेश्चन कराया जाए, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर वो आप छोड़ कर आए हैं तो आपका डिसीजन राइट रहेगा। देखिए इज ए प्ले कार्ड displayed in public place with purpose of creating awareness, यानी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जब public places में किसी दृश्य सामग्री को लगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, तो दृश्य सामग्री यहाँ पे नहीं आएगी, वीडियो नहीं आएगा, रेडियो नहीं आएगा, डायग्राम भी नहीं, और पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं हमारे यहाँ पे, हम बहुत बार देखते हैं कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जनता को कैसे उससे साथ जोड़ा जाए, तो इसका आंसर जाएगा पोस्टर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, इसको भी आप टिपिकल की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो अब तक केवल 3 क्वेश्चंस को आप टिपिकल की रखेंगे, हालांकि उस समय एग्जाम देते वक्त हमारी क्या मनस्थिति होती है उससे हमारे टिपिकल का और इजी का डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। इज अ मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू और इम्प्रूव प्रैक्टिस बाय शोइंग इट्स डिस्टिंक्टली सुपीरियर रिजल्ट्स, हमने क्या किया, कंपेरिजन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जब हमने ये बताया गया है कि मिल्किंग मशीन का रिजल्ट बेहतर आएगा बजाय आप हाथ से दुग्ध दोहन करेंगे, और इसके अंदर आंसर आपका जाएगा रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन, यहाँ पर हमने उसको करके बताया है, मिल्किंग मशीन के द्वारा ज़्यादा दूध निकाल के बताए बजाय हाथ मिल्किंग के द्वारा, तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो रिजल्ट। आप आंसर को मैच करोगे ना, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार वाले पेपर में 2022 वाले पेपर के अंदर लैंग्वेज टिपिकल है, बट उसके आंसर को आप अगर आराम से पढ़ेंगे तो आंसर बहुत ही डिस्टिंक्टली है, अलग से आंसर को दिया गया है यहाँ पर। तो एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं कि एक ही क्वेश्चंस मानेंगे कॉपरेटिव की, क्योंकि उसकी भी लैंग्वेज बहुत बड़ी थी। अब देखिए 68। Which of the following is an electronic? Marker करना। Is an electronic
ऑडियो विजुअल मीडियम विच प्रोवाइड पिक्चर विथ सिंक्रोनाइज साउंड, मतलब उसके अंदर जो साउंड आ रही है वो बाहर से डाली गई है साउंड को और उसको उसकी एक्टिंग के साथ में मैच किया गया है। अब आप देख लीजिए, वीडियो आएगा क्या रेडियो में? बिल्कुल नहीं आएगा। टेलीफोन में आएगा? नहीं आएगा। कैलकुलेटर में आएगा? नहीं आएगा। बचा क्या ऑप्शन? ये देखिए, ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे ना, अगर हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य दृश्य माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है, मतलब कन्फ्यूज करा है। पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 3 पेपरों को जहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इस तरह के पेपर ज़्यादातर यूजी लेवल के अंदर या आरपीएससी इस तरह के लेवल को पूछती है। अधीनस्थ बोर्ड LSA से इस तरह के पेपर ले रहा है, तो ये एक तरह से हम इसको टफ की श्रेणी में मानते हैं। लेकिन आप आंसर को जब मैच करोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने ये समकालिक ध्वनि का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है ऑडियो विजुअल। अब आप खुद छांट लीजिए इसमें से ऑडियो विजुअल कौन सा है। क्या टेलीफोन ऑडियो विजुअल आएगा? नहीं आएगा। टेलीफोन, ये एंड्रॉयड टेलीफोन्स की इस तरह की बात नहीं करते, ये नॉर्मल टेलीफोन जिसमें आप वार्तालाप सुन सकते हैं उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर आएगा टेलीविज़न। नेक्स्ट, तो एक्सटेंशन में से इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं मानता हूँ कॉपरेटिव का बहुत हार्ड था। अब देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, गॉट बिलोंग्स टू बिलोंगिंग टू जीनस, यहाँ पे आएगा कैप्रा हिरकस। ये बहुत बार चर्चा में लिया गया है कि कैप्रा हिरकस या ओविसेरिस कौन होते हैं, बॉस्टरस कौन से होते हैं, गैलस डोमेस्टिकस यानी मुर्गी की बात की गई है, पोल्ट्री की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका आंसर जाएगा कैप्रा हिरकस। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता था, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजी मानेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव रूमन। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। तो अगर आप, अभी हमारे पास 70 क्वेश्चन आ गए, 30 क्वेश्चन में से 4 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पर आपको सोचने पे, लैंग्वेज बड़ी होने के कारण आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपको, जो आपने पढ़ाई करी है, चाहे फ्रैक्चर की हीलिंग हो, चाहे आप दूसरे कोई क्वेश्चन, अभी प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल का एक सवाल आएगा उसमें भी देखिए, केवल लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं है पूरे पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रूमन, रूमन किस में नहीं होगा? काऊ में होगा, शीप में होगा, बफेलो में होगा, पिग नॉन रूमिनेंट है, पिग को हम इसमें किस में लिखते हैं? ओमनिवोरस के अंदर लिखते हैं, इसमें सिंगल स्टमक होता है। अब की बार सीरीज नहीं आई है, बीच में कुछ और क्वेश्चन डाल दिया, फिर इन्होंने अब की बार कॉपरेटिव का क्वेश्चन डाल दिया, एक्सटेंशन के क्वेश्चन डाल दिए। कॉपरेटिव सिस्टम फॉर्म्ड अंडर द आनंद पैटर्न, देखिए ये आनंद पैटर्न क्या है? आनंद पैटर्न यहाँ पे गुजरात के खेड़िया गांव में जो अमूल का पैटर्न है, बहुत बेसिक है, और हमारे गाँवों के अंदर यही पैटर्न चलता रहता है, जिसके अंदर 3-tier सिस्टम होता है। 3-tier सिस्टम के अंदर यहाँ पे इन्होंने किस लेवल पे होता है, ये होता है एक तो विलेज लेवल पर, दूसरा होता है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तीसरा होता है स्टेट लेवल पर। तो ये 3 लेवल का होता है जहाँ पे हम कॉपरेटिव सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। दूध कलेक्शन के अंदर आपने देखा ही होगा इस तरह के सिस्टम होते हैं। सरस कहाँ पर है? स्टेट लेवल पे आ जाता है ये। हाँ, आंसर 3 जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर 3 जाएगा। अब जेनेटिक्स के सवाल हैं जो हर्ष सर आपको बताएंगे। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डीएस सर ने आपको सर्जरी एक्सटेंशन, इनके जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर बता दिए हैं। तो देखो, आगे अपन जेनेटिक्स की अभी बात करते हैं। जेनेटिक्स में पहला, देखो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठाई हुई है, देख रहे हो ना सामने लैंग्वेज, इस बार इसको देखो थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए थी, नहीं उठानी चाहिए थी ऐसी लैंग्वेज, काफ़ी टफ लैंग्वेज उठाई हुई है। आंसर एकदम लल्लू है ना, आंसर एकदम लल्लू है, लैंग्वेज इसने बहुत टफ ले ली। एनसीईआरटी में सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, 12th क्लास में अपन चेक करेंगे 11वें चैप्टर में जाके। तो कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री को ले लिया, माइक्रोबायोलॉजी को ले लिया, केमिकल इंजीनियरिंग को ले लिया है ना, टेक्नोलॉजी जो लॉजिकल जो एप्लीकेशन है इसको लेके, माइक्रोब्स कल्चर टिश्यू सारी चीजों को यूज लेके ह्यूमन के बेनिफिट के लिए कर रहा है काम, है ना। कुल मिला के इन सारी चीजों को अपन अगर मनुष्य ह्यूमन के बेनिफिट के लिए लगा दें तो उस ब्रांच को अपन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या आंसर चला जाएगा? इसके अंदर पहला आंसर ए आंसर जाएगा भाई, जो बायोटेक लगा के आए हैं वो आंसर उनका सही जाने वाला है, ठीक है। तो अगला 73 की अपन बात करें, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडी एज अ प्रोटेक्टेड। देख भाई, इसको भी मेरे झंडू कई गलत करके आ गए, तो ये गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है। एक ऐसा पदार्थ, क्या कह रहा है? बाहरी पदार्थ है,
जो आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सुरक्षात्मक तंत्र मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा पशु शरीर में उत्पादित किया जाता है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा वो क्या चीज उत्पादित की जाती है जिससे कोई भी बाहरी तत्व जो शरीर को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है उसको नष्ट कर दे। तो बाहरी तत्व जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है वो तो एंटीजन होता है, और एंटीजन को मारने के लिए शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो उत्पन्न करता है उसे अपन एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। तो इसमें क्या आंसर चला जाएगा भैया जी, इसके आंसर जाएगा बी। शेयर करो भैया, बिल्कुल शेयर करो, मेरिट का डिस्कशन बिल्कुल होगा, टेंशन मत लो, मेरिट भी बता के जाएंगे और वही मेरिट बता के जाएंगे जो जाएगी, है ना। पूरे एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं डीएस सर को लेके आया हूँ भाई आज, क्योंकि डीएस सर पूरा अपने अनुभव के आधार पर, है ना, पूरा आपको डिस्कस करके सारी चीजें बताएंगे, कितनी मेरिट जाएगी, कितनी पिछली बार गई थी, क्यों इस बार इतनी जाएगी, सारी चीज का डिस्कशन होगा। एक बार अपन आंसर की को फटाफट लगा देते हैं। अ फैमिली ऑफ प्लांट्स मतलब क्या कह रहा है, पादपों का एक परिवार है। क्या कहना चाह रहा है, पादपों का एक परिवार है जो यूजुअली हाई प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, मतलब कहीं ना कहीं ये पादपों में प्रोटीन तो दालों के अंदर है, ठीक है ना, विच नेचुरली इंप्रूव नाइट्रोजन कंटेंट। अब प्रोटीन है तो नाइट्रोजन कंटेंट भी इंप्रूव करेगा, किसका, सॉइल का। कुल मिला के लैंग्वेज इसने कहीं ना कहीं सेट किए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की तरफ, लेकिन अपने को मतलब नहीं है, अपने को इतना पता होना चाहिए पादप है, प्रोटीन ज्यादा है, दाल कुल लेग्यूमिनस, किसकी बात कर रहा है, ये दालकुल की बात करना चाह रहा है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात करना चाह रहा है, लेग्यूम पादप दालकुल जिनके अंदर क्या होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है। न्यूट्रिशन का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो आंसर क्या जाएगा भाई इसके अंदर, सी आंसर चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, 74 के बाद में आएगा 75। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अरे देखो एकदम झंड क्वेश्चन है, 8 से 12 सबको पता होगा, 8 से 12 पर मिनट क्या हो जाती है, इसके अंदर 8 से 12 पर मिनट क्या हो जाएगी घोड़े के अंदर रेस्पिरेशन रेट हो जाएगी। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई इसके अंदर, ए आंसर चला जाएगा। आसान क्वेश्चन है, जैसे डीएस सर बता रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, अपन बात करें लमसम 15 क्वेश्चन की, मतलब उसने लैंग्वेज घुमा के फिरा के आपको डराने की कोशिश की है, बाकी 60 क्वेश्चन एकदम इजी पूछे गए है ना। तो विच अमोंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर द क्लास ऑफ एंजाइम, निम्न में से एंजाइम कौन सा नहीं है, इतना सा पूछना चाह रहा है कि इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं। अब तेरे को इतना तो पता ही होगा कि भाई देख इंसुलिन एंजाइम नहीं है, हैं, तू अगना से पढ़ता था, लाइव क्लास में बताया हुआ है, अग्नाशय के दो भाग थे अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंतःस्रावी जो 1% पार्ट था उसके अंदर बताया था जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का श्रवण करती है, और अंतःस्रावी भाग तो हार्मोन ही निकालेगा, तो सबको पता है इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है, क्या है, हार्मोन है। तो सीधा सा आंसर क्या जा रहा है इसके अंदर, डी आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप एकदम सही करके आए होंगे, ये क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है। अगर आप वो इजी इजी वाले क्वेश्चन भी 65 से 70 तक सही करके आ जाते हो तो आप रैंक निकाल जाओगे। Which of the following is not an accessory sex organ? मतलब इनमें से कौन सी सहायक यौन अंग नहीं है? अगर तुझे इतना पता है ना, आंसू आंख से निकलते, समझ रहा है? तुझे इतना पता है कि आंसू आंख से निकलते हैं तो इतना तो बता देगा कि ये यौन अंग नहीं है, मतलब ये एकदम झंड श्रेणी वाला है भाई, समझ रहे हो, एकदम इजी, जो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आए हो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर नहीं था। फिर से एक और इजी क्वेश्चन आ रहा है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, सबको बताया हुआ है भैया कौन से, रामनाथ चोपड़ा क्या है, अपने इंडिया के फार्मेकोलॉजी के पापा हैं, ठीक है, जनरल शक्ति है, सब बताएंगे, टेंशन ही मत लो, सारी कट ऑफ की चर्चा की जाएगी। एक बार आप आंसर की मिलाओ तो सही, आंसर बताओ तो सही, जैसे अरे देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में इसकी कहानी डीएस सर बताएंगे आपको, बहुत ही रोचक कहानी है और शिवालय के विद्यार्थी इसको सही भी करके आए, रोचक कहानी कैसे है डीएस सर। देखिए ये ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल डेस एपिजूटिक, देखिए ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पे ये लोग उनको नोटिफाई करते हैं, उनको एक सीरीज़ के अंदर डालते हैं, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकंड के अंदर। हाल ही में अभी मुश्किल से 10 या 12 दिन ही हुए हैं जिसका इसका नाम बदला गया है, अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं था। एपिडेमियोलॉजी एक चैप्टर चलता है, एक बुक चलती है बीबीएससी एंड डीएच के अंदर जहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बट आपके कोर्स में नहीं है इसलिए ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल डेस एपिजूटिक के बारे में चर्चा करना कोई लाजमी नहीं था। यहाँ पर देखो इन्होंने डेस एपिजूटिक, अगर आप इस एपिजूटिक वर्ड को भी पकड़ लेते तो वर्ल्ड बैंक तो नहीं करके आते, WHO ऑलरेडी
ऑलरेडी हम जानते हैं WHO के बारे में कि ये संस्था चल रही है पूरे विश्व के अंदर, ये स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी FAO बार बार जब हम पशुगणना की बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि FAO ने स्टैटिक्स निकालते हैं। रहता है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका नाम बदलकर OIE का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है WOAH, ठीक है, ये इसका नया नाम हो गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। और ये हाल ही में किया, बड़ा सरप्राइजिंगली था इस तरह के सवाल पूछना। तो एक क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से आया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पूरे पेपर की लैंग्वेज देखें तो अभी तक मेरी श्रेणी में जो अब तक क्वेश्चन आए हैं वो केवल 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं, जिनको मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था कि 110 के जब आप रेशो में जाएंगे तो आपके पास में 10 होंगे। हमारे को फ़ायदा क्या हुआ है कि GK के क्वेश्चन बहुत ईजी आ गए हैं, तो हमारे को 10 क्वेश्चन यहाँ पर मार्जिन मिल जाती थी जिसमें से 5 क्वेश्चन अब तक आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते तो ये एपिजूटिक्स आपको वर्ड पता है, बार बार हमने इसके बारे में चर्चा करी है, और इसका आंसर जाएगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार प्रायोन के बारे में पूछा गया था, नया क्वेश्चन था, इस बार इन्होंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में डाला है। थैंक यू बॉस। तो भाई देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें जैसे सी आंसर वो उसने बताया, आगे अपन बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं 79 के बाद में 80, अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद आदमी है भाई, ये तो कुछ नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, जिसने ये कितनी बार कराया है रे क्लास में, जिसको आदमी पता है कि आदमी किसके अंदर आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है, वो गलत नहीं करेगा। मतलब शरीर दवा के साथ में क्या कर रहा है वो क्या होती है, काइनेटिक्स होती है, और दवा शरीर के साथ में क्या कर रहा है वो डायनामिक्स होती है। तो आंसर क्या जाएगा भाई, इसके अंदर बी आंसर चला जाएगा। आसान क्वेश्चन, आसान जवाब, में टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि टाइम में ऑलरेडी आपको पहले लाइव क्लासेस के अंदर बहुत सारा दे चुका हूं। ये देखो ये क्वेश्चन जनता गलत करके आई होगी, 81 की मैं बात करूं, 81 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको बहुत सारी जनता गलत करके आई है। इनमें से क्या पूछना चाहिए, निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आधान, देखो ये लैंग्वेज देख लो, फिर से इसने लैंग्वेज वही काम किया है, लैंग्वेज हिंदी में बहुत ही जटिल डाली गई है। मतलब जिसको इंग्लिश की अच्छी खासी ठीक ठाक, हम बोलते थे भाई, हम क्लास में बोलते थे कि इंग्लिश की टर्म्स आपको कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि वो टर्म इंग्लिश में कभी नहीं बदलती, हिंदी में वो कुछ से कुछ कर देगा, समझ रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट कोगुलेशन, मतलब एंटी कोगुलेंट की बात करना चाह रहा है, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ की बात करना चाह रहा है, ऑफ ब्लड स्पेशली कलेक्टेड फॉर ट्रांसफ्यूजन, इसने वर्ड डाल दिया स्थानांतरण करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आंसर क्या जाएगा इसमें, सोडियम सिट्रेट। नॉर्मली अपन कलेक्ट करने के लिए, संग्रहित करने के लिए तो EDTA यूज में लेते हैं, लेकिन आपको ट्रांसफ्यूजन करना है तो ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर बी आंसर जाएगा भाई, ठीक है। तो 81 में बी आंसर, 82 की मैं बात करूं, देखो ये भी काफी ज्यादा, मैं बोलूं कि इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा टफ की गई है, और ऐसे ही इतने ही टफ इसके क्या हैं, ऑप्शन डाले गए हैं, ड्रग विच एडमिनिस्टर्ड ओरली, मतलब मुख द्वार के द्वारा, है ना, मुख द्वार से दी जा रही है पहली चीज, है ना। दूसरा रूमिनल स्टेसिस की अपन बात करें, मतलब क्या कहना चाह रहा है, रूमन की गति जिसमें रुक जाती है, रिमूविंग द प्राइमरी कॉज, उस रूमन की जो गति रुकी है उसके प्राथमिक कारण को हटाना है, और रूमन रेटिकुलर की जो मोटिलिटी मतलब गति है उसको बढ़ा दे, इनमें से वो कौन सी है। तो ये टफ वाली श्रेणी का है भाई, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है टफ श्रेणी का, कैम्फोर का लेना देना नहीं है, ओरली अपन कपूर को देंगे क्यों, है ना। अब देखो केओलिन की मैं बात करूं तो केओलिन एक एस्ट्रिंजेंट होता है, काफी लोग ये भी लगा के आए हैं केओलिन एस्ट्रिंजेंट होता है, मतलब दस्त के अंदर दोगे, दस्त को डायरिया को रोकने के लिए क्या दोगे, केओलिन दोगे, मतलब वो क्या कर रहा है, वो तो आंतों की गति को कम कर रहा है, लेकिन यहां पर हमें क्या करनी है, आंतों की गति बढ़ानी है। तो लिक्विड पैराफिन का गति को कम करने और बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लिक्विड पैराफिन का एक ही काम है, वो लुब्रिकेंट है ना, वो लग्जरी की तरह काम करेगा, मल को चिकना करेगा बस, ठीक है ना। तो गति को अगर आपको बढ़ाना है तो इसका सबसे अच्छा आंसर इन चारों में से कौन सा होगा, वेजिटेबल ऑयल की बात करूं मैं या वनस्पति तेल की अपन बात करें, ये जाएगा, ठीक है। 83 की अपन बात करें, देखो भाई ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, मैंने काफी बार आपसे कहा था कि आएगा, फिर आ गया, फादर ऑफ मेडिसिन सबको पता है, हिप्पोक्रेट्स है। अब इसको यार नहीं गलत कर सकते हैं ना, वेटनरी साइंस के अपन साली उत्तरा लोग लगा के आ रहे हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन लाइव में ही कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर हिप्पोक्रेट जाएगा, इसने फादर ऑफ मेडिसिन पूछा है, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको भाई यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। जी बॉस देखिए इस क्वेश्चन में भी
एक तरह से ये क्वेश्चन, जैसे पिछली बार आप लोगों को याद होगा अगर आपने सॉल्व किया, तो आरबीसी का जीवन काल पूछा गया था और उसके अंदर 120 दिन को भी डिलीट किया गया था। ऑब्जेक्शंस लगते हैं तो इस तरह के सवाल डिलीट होने की श्रेणी में आते हैं। ये जर्नलाइज पूछा गया है, चाहे ह्यूमन हो चाहे वेटनरी हो, सभी के अंदर फादर ऑफ मेडिसिन को हिप्पोक्रेट्स को माना गया। यहाँ वेटनरी के फादर की बात नहीं हो रही है कि वेटनरी साइंस के फादर कौन है। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली ह्यूमन से लिया गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किस तरह के क्वेश्चंस के बीच में जब इजी क्वेश्चन डालने की बात आती है और वो इजी क्वेश्चन डालने के चक्कर के अंदर इन्होंने इस क्वेश्चन को डाला है। अगर आपको याद हो आरबीसी वाला क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार जब रिव्यू बैठेगा, दोबारा रिव्यू कमेटी बैठेगी, ऑब्जेक्शन होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ये लोग हटा भी सकते हैं। जी बॉस, तो भाई ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार ह्यूमन से उठा लेते हैं तो ऑब्जेक्शन होते हैं, तो क्वेश्चन हट भी जाते हैं। तो देखते हैं अभी के अनुसार जो आपका आंसर सबसे बेस्ट है वो आपको बताया जा रहा है। तो उसका देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी लाइव क्लास में, लगभग सारे क्वेश्चन अपने लाइव क्लास में ले रखे, कुछ नहीं है। इतनी कह रहा है कि व्हेन एपिडेमिक रीचेस एन अनयूजुअल लार्ज साइज, मतलब बहुत बड़े लेवल पर फैल रहा है, संक्रामक रोग है, महामारी आते ही तू कोरोना को याद कर ले। और कोरोना क्या थी? पेंडेमिक थी। क्या थी? कोरोना पेंडेमिक थी। सेम एग्जांपल मैंने आपको लाइव क्लास में दिया है, सेम क्वेश्चन मैंने रखा है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। अपने लैंग्वेज थोड़ी सी क्या ली थी? छोटी ली थी। मतलब एक महामारी है, वैश्विक रूप से फैल रही है, बड़े रूप में फैल रही है। तो ऐसी डिजीज को तो अपन क्या बोलते हैं? पेंडेमिक और पेंजुटिक। मतलब ये एनिमल्स के लिए वर्ड आता है, पेंडेमिक अपन जनरली ह्यूमन के लिए यूज में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी आंसर चला जाएगा। क्लियर है? तो 84 का आंसर क्या जाएगा भाई? बी जाएगा। बात करें 85 क्वेश्चन की, तो देखो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन भी बड़ा अपन कह सकते हैं कि अच्छा डाला गया है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन और मैं बोलूं कि गलत करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन इज सीन मोर इन कास्ट्रेटेड मेल, मतलब बधियाकृत नर जो होगा, है ना, कैटल का जो बधियाकृत नर है, इनमें से क्या सर्वाधिक देखने को मिलेगा? देख, इसका तो लेना देना है नहीं, ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस से, टीआरपी से भी कोई रिलेशन नहीं होता, कास्टेटेड है या नहीं है। ठीक है, यहां पे अपन बात करें स्क्रोटल हर्निया का भी, देखो कोई इश्यू नहीं होता, कास्टेटेड हो नहीं हो उसमें बराबरी चांस होते हैं। यहां पर दो अच्छे ऑप्शन है, है ना, यूरोलिथियसिस और हॉर्न कैंसर। देखो इसके भी चांस होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, है ना, ब्लॉक के अंदर ज्यादा चांस होता है हॉर्न कैंसर होने का, है ना। अपन बात करें जो नॉन कास्टेटेड बोला है उसके कंपैरिजन में, जिसका कास्टेशन नहीं हुआ, लेकिन यूरोलिथियसिस की अपन बात करें, यहां पर इन दोनों में से जो अच्छा आंसर होगा वो कौन सा होगा? यूरोलिथियसिस, है ना। यूरोलिथियसिस का कारण क्या है? देखो जब कास्टेशन हो गया तो वहां पर सारा आवागमन बंद हो रखा है, सारे सीक्रेशन बंद हो रखे, वृषण का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, सारे सीक्रेशन सारे श्रवण बंद हो रखे, तो वहां पर फिर अपन बात करें उसमें सिग्मॉइड फ्लेक्चर के अंदर क्या है? स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो ज्यादा अच्छा आंसर होगा वो कौन सा होगा? इन दोनों में से बी आंसर जाएगा, यूरोलिथियसिस। काफी फेमस क्वेश्चन है ना, लेकिन ये मैं बोलूं वही कि डिग्री के लेवल का क्वेश्चन ये डाला गया है, इनको ये क्वेश्चन नहीं डालना था, है ना, पर डाला गया है। तो देखो आंसर आपको ये ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो हीट स्ट्रोक की अपन बात करें, सीधी सी बात है, अब बच्चों को यही नहीं पता हीट स्ट्रोक होता क्या है, तो देखो ये तो गलत बात है। आसान क्वेश्चन है ये, इजी लल्लू कैटेगरी में इसको मैं रखना चाहूंगा, है ना, एकदम मैं बोलूं कि आसान क्वेश्चन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। हीट, यार हीट का मतलब क्या? गर्मी है। गर्मी में क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ता है। तो इसमें अगर कोई हाइपोथर्मिया लगा के आए तो वो तो गलत बात है, सबको पता है हाइपोथर्मिया मतलब ठंड लगना और हाइपरथर्मिया मतलब लू लगना, गर्मी लगना, और फिलहाल गर्मी चल रही है तो गर्मी की पूछेगा वो, तो ये सीधी सी बात है भाई, हाइपरथर्मिया मतलब लू लगना, हीट स्ट्रोक में क्या आंसर जाएगा? ये आंसर जाएगा। अब ये गलत नहीं करना था आपको, देखो बच्चे से गलत करके आए, मेरी समझ में नहीं आया क्यों इसको गलत करके आए हो आप। चलिए 87 की अपन बात करें, देखो ये क्वेश्चन लाया मैं इतनी बार लिया है, खरगोश का अपन ने पूरे तोते उड़ा रखे थे, ईटिंग ऑफ इट्स ऑन अदर फीसेस, मतलब खुद के मल को खा रहा है या दूसरे किसी जानवर के मल को कोई जानवर खा रहा है, मल को खाने के लिए जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है? कॉप्रोफेजिया आता है। ठीक है ना, खूब डिस्कस किया अपन ने कॉप्रोफेजिया, तो इसके अंदर क्या आंसर जाएगा भाई? डी आंसर चला जाएगा। 88 की अपन बात करें, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एसिडिक पीएच, लाइव में दुनिया भर मतलब कितने ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मूत्र की पीएच से संबंधित, तो ये क्या बात कर रहा है? एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, समझ रहा है ना, मतलब मैंने एक बात बोली थी तुमको शाकाहारी की सांस से ऊपर, मांसाहारी और सर्वाहारी की सांस से नीचे, तो सीधी सी बात है यहां पर कुत्ता क्या है? यहां पर कुत्ता शाकाहारी नहीं है, और इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा, इसकी सांस से नीचे मूत्र की पीएच होती है।
ठीक है। 88 के बाद अपन 89 की बात करें, FMD सेम क्वेश्चन अपन लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी बड़ी की है। FMD का क्वेश्चन कब लगाना चाहिए, कितने दिनों में रिपीट करना चाहिए, लाइव क्लास में लिया जा चुका है। एवरी 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको क्या कर देना चाहिए भैया, इसको अपन रिपीट करेंगे किसको, FMD का जो वैक्सीन है। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर 89 का, बी आंसर जाएगा 90 क्वेश्चन। देखो रेबीज वायरस कैन यूजली ट्रांसमिट थ्रू, रेबीज का जो वायरस है आमतौर पर किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है, तो भाई आपको सबको पता होगा, खूब पता है, इन्फेक्टेड जो सेलाइवा होती है, लार होती है, लार में वायरस काफी ज्यादा पाया जाता है। रेबिड जो कुत्ता होता है उसके, कुत्ता काटेगा तो काटने के बाद ही रेबीज फैलती है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो तो गलत बात है। आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, बी आंसर जाएगा, इन्फेक्टेड सेलाइवा। 91 की अपन बात करें, देखो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बड़ा ही लेवल का, मतलब कतई खतरनाक क्वेश्चन डाला हुआ है। द प्रोजेनी ऑफ 2, 2 की प्रोजेनी है, मतलब संतति है। अब संतति तो नर और मादा की होगी, तो 2 नर और मादा है, उनकी संतति है, तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती है। अब देखो ये उपजाऊ, यहां पर मिट्टी की तो बात हो नहीं रही है, तो सीधी सी बात है इंग्लिश की तरफ तो रुख करना पड़ेगा, ठीक है। उपजाऊ की मतलब क्या है, मतलब ऐसी संतान हो जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, समझ रहे हो। 2 थे नर और मादा, उनका जो संतान हो रही है वो ऐसी हो कि वो फर्टाइल प्रोजेनी, मतलब फर्टाइल प्रोजेनी पैदा ना कर सके, उनकी संतानें बंद्य हो, ठीक है, तो अपन बोलेंगे वो किसके मध्य हो सकता है। तो जब आप 2 अलग अलग जातियों के मध्य में मेटिंग कराते हो, है ना, गधे के और घोड़ी के बीच में आपने क्रॉस करा दिया, अलग अलग जाति कर दी, तो खच्चर पैदा होती है। सबको पता है जो खच्चर होती है वो बंदे होती है, वो फर्टाइल नहीं होती, तो सीधी सी बात है इसमें क्या आंसर चला जाएगा, बी आंसर चला जाएगा। ये देखो ये मतलब इतना लिया हुआ है, ये क्वेश्चन लाइव में इतना लिया हुआ है, मैं क्या बताऊं, हमारा जो पेपर से वाले के होते थे उनमें अपन बार बार डालते थे, जो पेपर मैंने आपको सॉल्व कराए थे लाइव क्लास में, तो उसके अंदर क्वेश्चन सेम लिया हुआ है। इसका तो अपन ने वो कॉजेटिव एजेंट भी लिया हुआ है, मैंने आपको बोला था ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाई कि ये क्वेश्चन मतलब ये बीमारी किससे होती है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, तो सीधी सी बात है HS की अपन बात करें, गलगोंटू की अपन बात करें, सबको पता है जीवाणु से होती है, तो क्या आंसर चला जाएगा इसके अंदर, ए आंसर चला जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन भी उपनाम पे, मैंने बोला था उपनाम पे क्वेश्चन आएगा, उपनाम पे फिर से आ गया, लाइव में सारे ले रखे हैं, रे कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं है लाइव से, जिन्होंने पता है जिन्होंने लाइव देखी उनको फायदा भी मिला होगा कि गुरुजी ये तो फ्री में बहुत काम की चीजें आपको दी गई थी भाई शिवालय क्लासेस की तरफ से। अंड्यूलेंट और मेडिटेरेनियन फीवर किसका नाम है, सीधी सी बात है जो ब्रूसेलोसिस होता है उसका ही उपनाम क्या होता है भाई, अंड्यूलेंट फीवर होता है, ठीक है। ह्यूमन मनुष्य के अंदर इसको अपन क्या बोल देते हैं, अंड्यूलेंट बोल देते हैं, और इसी को मेडिटेरेनियन फीवर, माल्टा फीवर, बैंक्स डिजीज, ये इसके बहुत सारे नाम है। तो ये भी एकदम इजी कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। तो देखो अब ये देखो ये क्वेश्चन, अच्छा 94 की अपन बात करें, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, अरे रिकॉर्ड की बात कर दी, एंसेस्टर, पूर्वज आ गया, अरे पूर्वज आते ही तो वंशावली पेडिग्री बन जाती है, पूर्वज की बात होते ही तो वंशावली या कट ऑफ की बात करेंगे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बॉस जी, डॉक्टर हर्ष पोजदार बॉस, थैंक यू पंकज साहब, अरिया तुम्हारे एग्जाम वाले दिन ही देख लो, जन्मदिन भी है अपना। तो इसमें क्या है भाई, इसके अंदर ही सी आंसर चला जाएगा 94 का, ठीक है, पेडिग्री की बात कर रहा है। फिर देखो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में डाला गया भाई हमने, और मेरे गैस पेपर भी उसमें भी ये क्वेश्चन डाला गया था कि एक ही नस्ल के हैं, आपस में उनका कोई संबंध नहीं है 4 से 6 पीढ़ी तक, गैस पेपर में जाके आप देखो तो उसमें सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, आउट क्रॉसिंग बोल देते हैं, सेम ऑप्शन भी अपने डाले हुए, आउट क्रॉसिंग उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर जाएगा, बी आंसर इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर, 95 के अंदर। 96 देखो, तो 96 की अपन बात करें, ये भी सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थार पारकर है, और गिर है, GSTR, ये 4 नस्ल तो किसमें आती है भैया, मिल्च पर्पज में आती है, दुधारू में आती है, बाकी अपन बात करें तो ये कांकरेज जो है वो किसमें आती है, ड्यूल पर्पज में, या फिर द्विकाजी नस्लों के अंदर रखी जाती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखो ये मैंने भी ग्रुप में डाला और DSR ने भी ग्रुप में डाला, ये क्वेश्चन हम मतलब एग्जाम से पहले ही डिस्कस कर रहे थे, आपको पता हो, तो इस क्वेश्चन के बारे में DSR आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि बफेलो का क्या संबंध है। देखिए हर बार पॉपुलेशन में से सवाल जरूर आते हैं, बच्चे बोल रहे थे कि सर पॉपुलेशन में सवाल नहीं है, ये बात सही है कि 2019 में जो पॉपुलेशन हुई उसमें से सवाल नहीं पूछना चाहिए था, नए डाटा थे,
पिछली बार भी हमने किया था कि 58% जो बफेलो है वो इंडिया में मिलती है पूरे विश्व की। अब देखिए ये सवाल जो पूछा गया है ना, थोड़ा सा आप इसकी लैंग्वेज में देखते ही कंफ्यूज कर देंगे, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। इंडिया हैज़ मोर देन ऑफ द वर्ल्ड बफेलो पॉपुलेशन, भारत में विश्व की से अधिक भैंसे हैं, 75% से अधिक है। क्या 75% से ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 65 से ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 70 से ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने 50 देखकर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया और बच्चों ने ये सोचा कि ये 58 होता है तो ये किसी रेंज में नहीं आ रहा है। कोई ने 65 कर दिया, कोई ने 70 कर दिया, कोई ने 50 कर दिया। इसका जो एग्जैक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 50%, यानी 50% से अधिक है हमारे पास पूरे विश्व की 50% से अधिक यहाँ पर पॉपुलेशन हम बफेलो की रखते हैं और कैटल की हम रखते हैं लगभग 16% पॉपुलेशन। तो मैं जब क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहा हूं और डॉक्टर हर्ष भी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमने ये पाया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर बच्चे थोड़ा सा घूम गए हैं। बाकी क्वेश्चंस कुछ आपके लेवल के नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे अब ये बार बार चर्चा होती है कि NDDB कहाँ है, NDDB की क्या फुल फॉर्म होगी, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में, लिए हुए हैं, पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा करी है और बहुत बार इसके बारे में हम लोगों ने बात भी करी है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट। बाकी सब चीज़ें जो इन्होंने दिया है, दूध डेवलपमेंट बोर्ड, इस तरह का कोई बोर्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आप जो मैं इस क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने आंसर को आराम से पढ़ा है तो इसका सॉल्यूशन आपके पास में ज़रूर होगा। इन्होंने बोला अभी का, देखिए दो क्वेश्चन सेंटर पे से आ चुके हैं, एक NDDB के बारे में पूछ लिया है और दूसरा इन्होंने CSWRI के बारे में पूछ लिया कि CSWRI कहाँ लोकेटेड है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कहाँ लोकेटेड है अभी का नगर, जो बार बार हम चर्चा कर रहे थे कि ये टोंक मालपुरा के अंदर अभी का नगर है, तो इस टोंक मालपुरा के अंदर अभी का नगर इसका राइट आंसर जाएगा। कई बार देखिए इन्होंने बीकानेर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, दांतेवाड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश, इस तरह का कोई सेंटर वहाँ पे नहीं है। और ये हमारे राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे केंद्र के बहुत सारे सेंटर हैं। चलिए जेनेटिक्स के क्वेश्चन हैं, जेनेटिक्स के क्वेश्चन आपको हर सर्च कराएंगे। ये आ गया 100 क्वेश्चन नंबर। आपकी बार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन रहा है डॉक्टर साहब, इसके अंदर इन्होंने ना तो कोई सीरीज दी है और ना ही कुछ दिया है बीच मतलब में, ये भी काउंटिंग भी नहीं कोई सब्जेक्ट कहीं से। हाँ, कितनी भी क्वेश्चन है किसी भी पहली बार, मतलब जी ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है कि इन्होंने मैं अब तक ये समझता था कि LSA के क्वेश्चन में इन्होंने 8-8 नंबर के अंदर सेगमेंट में बांट रखा है, लेकिन अब ये भ्रम दूर हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने ज़्यादातर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन दिए जहाँ आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आंसर जब आप देखोगे तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने लैंग्वेज के अंदर बच्चों फंसाया है। तो ये जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, देखिए इनको। जी बॉस, तो बॉस जैसे कह रहे हैं भाई देखो, ऐसी उम्मीद मैं बोलूं कि टीचर्स को भी नहीं थी कि ऐसा पेपर आएगा। मतलब 15 क्वेश्चन के देखो 60-65 जैसे अपन चर्चा करते थे वो इजी लेवल के रखे गए, बाकी इसने लैंग्वेज काफी ज्यादा घुमाई है। मैटर वही है, 15 क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई है और वो 15 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देंगे देखो मामले को। उसकी बात अपन लास्ट में करेंगे, डिस्कस करेंगे कितनी क्या कट ऑफ जाएगी अपन बेड की। देखो एक गुणसूत्र से क्वेश्चन कंफर्म होता है, जितने भी गैस पेपर हैं, जितना भी कुछ मैं दे रहा हूं लाइव में, सारे गुणसूत्र हटा चुके हैं। तो सबको पता है बेड के अंदर कितने होते हैं, 54 गुणसूत्र होते हैं भाई, कितने 54 गुणसूत्र होते हैं, सबको पता है ये चीज। अरे होते हैं कि नहीं होते। तो 100वां क्वेश्चन हो गया, अगला 101 की अपन बात करें, तो 101 की बात करें देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी से, मतलब ऐसे मानो कि दो क्वेश्चन फिक्स है ही, है ना, हर बार आते। पिछली बार ही माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जो आत्मघाती थैली है किसे कहते हैं, तो फिर उम्मीद थी, एक तो रिपीट कर दिया उसने माइटोकॉन्ड्रिया वाला, है ना। और एक क्वेश्चन बड़ा शानदार डाला गया है जिसकी अपन बात करें, सबको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्न में से क्या पाया जाता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है न्यूक्लियस की, कोई दिक्कत नहीं है, साइटोस्केलेटन की कोई दिक्कत नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की किसमें मिलता है किसमें नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हर बच्चे को पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S मिलते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S मिलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से सही हो जाते हैं कि भाई राइबोसोम ही ऐसी चीज है जो दोनों जगह मिलती है, हाँ कॉमन सेंस से आंसर देख लो क्या जाएगा, क्या जाएगा इसमें, सी आंसर चला जाएगा। 102 की अपन बात करें, देखो ये क्वेश्चन भी जाने कितनी बार ले रखा है, गर्भाशय का आकृति क्या होती है, अंडाशय की आकृति क्या होती है, पूछा भी उसने रूमंती जानवरों का है, है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी का पूछा है। सबको पता है जो एलमंड शेप है वो किसकी होती है, गाय
भैंस की जो ओवेरी है उसकी आकृति होती है, बीन शेप्ड मेयर की होती है, सबको पता है, आसान क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। और इसको भी जो गलत करके आए हैं वो वास्तव में गलत करके आए हैं भाई, ये नहीं होना चाहिए था। अब देखो, ये देखो, इसमें सिर्फ लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ भाषा है, इसमें काम की चीज एक भी नहीं है। लो बॉस, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों ने मतलब ब्लंडर मिस्टेक करी है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देख लेंगे ना अच्छी तरीके से, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। डैश इज द पीरियड व्हेन द एंडोक्राइन एंड गैमेटोगेनिक फंक्शंस ऑफ गोनेड हैव फर्स्ट डेवलप टू द पॉइंट वेयर रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल। फर्स्ट डेवलप, पहली बार जब फीमेल मादा ताव में आती है, उसके कहने का मतलब ये कि उस पीरियड को हम क्या कहेंगे। आंसर देखिए आप, स्टरलिटी, बांझपन, तो इसका मतलब है कि जब डेवलपमेंट होगा तो बांझपन आंसर कैसे आएगा। दूसरा, रजो निवृत्ति, ठीक है, ये रजो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि ये मीनोपोज क्या होता है। मीनोपोज का मतलब होता है जब रजो निवृत्ति हो जाती है, यानी ईस्ट्रस साइकिल फीमेल में बंद हो जाता है, उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। इस क्वेश्चंस को लेकर अगर आप देखेंगे, और सुपर ओव्यूलेशन यानी एक से ज़्यादा जब अंडे उत्सर्जित होते हैं, तो इन तीनों को ऑप्शन को आप मानोगे तो ये बिल्कुल कतई गलत है। इसके अंदर किसी भी तरह का आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट, अगर प्यूबर्टी भी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीनों को देखोगे। ये मीनोपोज आपको कंफ्यूज कर रहा था कि रजो निवृत्ति है या रजो धर्म है। ये रजो निवृत्ति का मतलब होता है कि जब कैटल में ईस्ट्रस साइकिल बंद हो जाते हैं। तो अब आपको मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को इन्होंने घुमाया हुआ है। आगे बढ़ाइए डॉक्टर साहब, इसको इस क्वेश्चन को पता नहीं मैं कितनी बार इसको आपको करा चुका हूं, पर फिर भी इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। मुझे भी लगता था कि आप लोग कन्फ्यूज करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल एनिमल शॉर्टेस्ट ईस्ट्रस फेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल। जब ईस्ट्रस साइकिल हम पढ़ रहे थे तो उसकी हमने चार फेजेस करी थी, ठीक है। ये फेज थी प्रोईस्ट्रस की, ये ईस्ट्रस की, मैट ईस्ट्रस की और डाईस्ट्रस की। आपको मैंने बताया था कि कैटल बफेलो एकमात्र एनिमल हैं जिसके अंदर ईस्ट्रस पीरियड सबसे छोटा होता है, लगभग 12 से 24 घंटे का। इसी वजह से यहाँ पे ओव्यूलेशन ना होकर ओव्यूलेशन कहाँ खिसक जाता है, मैट ईस्ट्रस पे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने मध्य चरण देखा जा सकता है या मध्य चक्र का छोटा, इस तरह के जो क्वेश्चंस को आप लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन को कंफ्यूज कर गए। बाकी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर हम तो ये ईस्ट्रस साइकिल की वजह से कन्फ्यूज हो गए कि सबसे छोटा ईस्ट्रस साइकिल तो भेड़ में होना चाहिए। वो ईस्ट्रस साइकिल पूछ ही नहीं रहा आपसे भाई, उसने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहा है कि ईस्ट्रस फेज, उस चक्र की ईस्ट्रस फेज सबसे छोटी किस में होगी, और इसका आंसर जाएगा गाय। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना था, आपने सोचा तो बहुत सही है, नहीं सोच पाए तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया जो कि आपको आना चाहिए था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बार बार कह रहा था कि ये जरूर पूछेंगे। जेस्टेशन पीरियड आपसे 100% पूछेंगे, और बेसिकली पिछली बार मेयर का पूछा गया था, इस बार इन्होंने पूछ लिया। 310 दिन होते हैं बफेलो के अंदर। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन सभी को मालूम है, नीचे आना चाहिए। और नीचे देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, हम क्लास में भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। शब्दों को देखेंगे तो आप आंसर आराम से लगा पाएंगे। इन्होंने पूछा है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ऑफ द फीटस इन द प्रेग्नेंट कैटल ऑफ बफेलो डैम, मानी मदर के अंदर, जो प्रेग्नेंट कैटल बफेलो की मदर है उसमें फीटस की क्या पोजिशन होनी चाहिए। देखिए, डॉर्सो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब होता है जब फीटस इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो ट्रांसवर्स हो जाएगा। वेंट्रो ट्रांसवर्स भी नहीं होगा, वर्टिकल प्रेजेंटेशन भी नहीं होगी, इसका आंसर जाएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, यानी बर्थ कैनाल की तरफ फीटस का हेड रहेगा और पिछले पाँव उसके अंदर यूट्रस की तरफ रहेंगे। ये बर्थ कैनाल है, यहाँ पे बच्चे का हेड और सिर रहेगा, पैर रहेंगे, तो ये रहेगा एंटीरियर। यहाँ पर अगर ये एंटीरियर शब्द जोड़ देते तो ये बहुत आसान हो जाता आपके लिए। इन्होंने एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, इसका आंसर जाएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था। एक सौ सात 107
ये क्वेश्चन भी पता नहीं हम लोग कितनी बार चर्चा में ले चुके हैं इस 107 क्वेश्चन को, कि मिल्क लेटडाउन के लिए ये आरसीडीएफ के पेपर में भी यही रिपीट हुआ था और अब रिपीट हो रहा है, पिछली बार भी रिपीट हुआ था, इसका आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन। चर्चा में लेने की आवश्यकता ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीटोसिन आंसर जाएगा। While doing artificial insemination, semen straw should be thawing का temperature पूछ रहे हैं और इन्होंने रेंज दे के बहुत आसानी कर दी। कुछ अगर ये 35 दे देते यहाँ पे और 37 दे देते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, फिर भी आंसर 37 ही करना था आपको। इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस। यस, इस क्वेश्चन में भी गायनी के अच्छे क्वेश्चंस दिए इन्होंने, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत बार प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को कि सर विच एआई टेक्निक इज यूज इन बफेलो, चाहे बफेलो हो चाहे कैटल हो, क्योंकि सीमन का डिपोजिशन यहाँ पे सर्विक्स या मिड सर्विक्स तक करते हैं, यहाँ पे रेक्टम के थ्रू हम अप्रोच करते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स को। इसका जो आंसर जाएगा वो होगा रेक्टो वेजाइनल। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर रेक्टो यूट्राइन क्यों नहीं होगा, क्या वेजाइना तक ही अप्रोच करना? देखिए यूट्रस तक हम अप्रोच नहीं करते हैं इसके अंदर, रेक्टम के थ्रू हम रेक्टो वेजाइनल मेथड, मैंने करवाया भी है आपको बहुत बार रेक्टो वेजाइनल मेथड के बारे में और वेजाइनल स्पेकुलम दोनों मेथड्स के बारे में, तो इसका आंसर जाएगा रेक्टो वेजाइनल। अब ये पता नहीं क्वेश्चंस कितनी बार आपके आ चुका है और इस क्वेश्चंस को आप रट चुके हो, इसमें भी चर्चा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीमन के अंदर LN2 का जो टेम्परेचर रहेगा वो -196 डिग्री सेल्सियस। अच्छा किया इन्होंने कन्फ्यूज नहीं किया, दोनों ही ऑप्शन को सेल्सियस में दे दिया। अगर ये फॉरेनहाइट में दे देते तो पता नहीं बच्चे और कन्फ्यूज होते। देखिए अब न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ये क्वेश्चन भी इतना बड़ा था, 111 नंबर का क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस भी इतना बड़ा है कि बच्चों को पढ़ने में ही इसको समय बहुत लग गया। और इसके अंदर जब आप देखते हो तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। बहुत बार मैंने पढ़ाया और अभी हाल ही में आपको दिया भी था मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर कि प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर जितने भी जो पोषक तत्व मिलते हैं उनको हमने प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहा। वाटर मिलता है यानी इसको हमने नाम दिया था मॉइस्चर, अगर आपको याद हो तो मॉइस्चर, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, टोटल एश और NFE नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट था। तो इसका आंसर जाएगा ए। पढ़ने में समय लग गया इसलिए आपको एडवांटेज है क्योंकि आपको ये अच्छे से कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा ए। अब हम अंतिम दौर पे रह गए हैं, कुल मिला के 8 क्वेश्चंस हैं। तो अब आपने पूरे में देखो अगर एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, लैंग्वेज जरूर टिपिकल थी इसकी। कट ऑफ अब आप खुद डिसाइड कर पाओगे इससे क्या कट ऑफ बननी चाहिए। द अमीनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज, जो शरीर में निर्मित नहीं होते हैं बाहर से देने की आवश्यकता होती है इसीलिए तो वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसका आंसर जाएगा एसेंशियल अमीनो एसिड। Birds require less water compared to mammals because is the end product of protein metabolism. Uric acid इसके अंदर end product हो जाता है क्योंकि uric acid के रूप में उत्सर्जन होता है, ये uricotelic animal है। हम बार बार स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग के बारे में, डाइक्यूमरॉल के बारे में, वारफेरिन के बारे में चर्चा में ले रहे थे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके द्वारा ब्लड का थक्का बनने में तकलीफ होती है अगर उसकी कमी हो जाए, और इसका आंसर जाएगा विटामिन के। देखिए बाकी कोई आंसर नहीं आएगा, मैच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। अभी जीके भी आपके बाकी रहेगा, उसके बाद हम लेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी क्योंकि जीके का पोर्शन देखने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया यहाँ पर हे के बारे में, मैंने पहले भी समझाया था आपको हे या साइलेज में से एक सवाल जरूर आएगा। हे के अंदर कितना परसेंट से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए और 15% में इसके अंदर आंसर जो बैठता है वो है 12 से 14%। 116 नंबर का क्वेश्चन है, इन बोन कैल्शियम एंड फास्फोरस अकर इन द रेशियो ऑफ। देखिए हमने कैल्शियम फास्फोरस के रेशियो के बारे में भी चर्चा ली थी, हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के रेशियो के बारे में भी चर्चा करी है। यहाँ पर पूछा है कि कैल्शियम को पहले पूछा है और फास्फोरस को, कैल्शियम हमेशा ज़्यादा होता है फास्फोरस से, और इसका आंसर जो जाएगा 2:1 आंसर इसका जाएगा।
तो देखिए इजी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। अभी ये बहुत एक माहौल बन गया कि सर इस बार बहुत टिपिकल आया। यस, टिपिकल था, पिछले मुकाबले के काफ़ी टिपिकल था। क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, थोड़ा डिफिकल्टी होती है 4-5 क्वेश्चंस में। ये रिपीट क्वेश्चंस है, पिछली बार भी आपको याद हो तो उन्होंने पूछा था इस क्वेश्चंस के बारे में। तो ये और एक ये पेट क्वेश्चंस है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस है जो रूटीन में आते ही हैं। जेनेरिक नेम ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, जिसकी कमी की वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। ये भी हमने क्लास के अंदर काफ़ी लिया है इसके बारे में कि लाइव कल्चर्स होते हैं, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये हानिकारक नहीं होते हैं, लाइव होते हैं, जिनको ओरली दिया जाता है। इसका आंसर जाएगा प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के अंदर सैक्रोमाइसिस के बारे में हमने बात की थी, यीस्ट के बारे में बात की थी, इसका आंसर आएगा प्रोबायोटिक। बहुत ईजी सवाल था, ये सवाल भी आपका सही होना चाहिए। दो सवाल और बचते हैं आपके, पूरी आपके जो वेटनरी साइंस है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, पटेला क्या है? पटेला सबसे बड़ी सिसमोइड बोन्स है, तो आपको सोचना ही नहीं था, इसके अंदर तो आंसर ही सिसमोइड बोन। देखो आप अगर आप देखोगे ना इसके अंदर, तो आंसर में कोई तकलीफ नहीं है, आंसर इन्होंने बहुत बचने की कोशिश करी है कि कहीं कॉन्ट्रोवर्सी ना पैदा हो जाए आंसर के अंदर। इसलिए आंसर को इस तरह से मैच किया गया कि दूसरा कुछ मैच ही नहीं हो रहा इसके अंदर। आप 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एनाटॉमी में इन्होंने अब की बार वेटेज कम दिया है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिए, कौन सा जॉइंट नहीं मिलता है, कौन सी बोन को क्या कहते हैं, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन। ठीक है, सब पूरी दुनिया जानती है कि स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। अब आपके जितने क्वेश्चन बचते हैं उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको थोड़ा समय लगना चाहिए था, क्योंकि अब आप जीके कर लीजिए, उसके बाद आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे कितनी कट ऑफ है। अब आप लोग इतने समझदार हैं कि आपको खुद को मालूम चल जाएगा कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। निकालना तो आपको ही पड़ेगा। जी के स्टार्टिंग थोड़ा छोटा है, ये तो स्टार्ट लो था मार्कर। आ गया, वेरी गुड। देखो जीके का जो जिस प्रकार से पेपर आया है, मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा कठिन होगा आपके लिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं करती है, मतलब राजस्थान की सीमा कौन से राज्य से नहीं लगती है। तो इसके अंदर आप सबको पता है कि राजस्थान की सीमा किस किस से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक आपके गुजरात से लगती है। तो यहाँ पर आपके पूछा है कि अपने को नहीं लगती है, तो अपने को आंसर यहाँ पे रखना पड़ेगा आपका दिल्ली। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है, हाँ कोई दिक्कत जीके में ज़्यादा वो नहीं है। देखो अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी और स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात उस्ता कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है कि उस्ता कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपके पास में कि भर्तृहरि का मेला राजस्थान के अंदर कहाँ पे लगता है। तो भर्तृहरि का मेला आपका कहाँ पर लगेगा, तो भर्तृहरि का मेला अपने का कहाँ पर लगता है, आपके अलवर के अंदर लगता है। आगे निकालो ना, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल रहा होगा कि इनमें आपका आंसर कौन सा है। तो देखो
राजस्थान में से कौन सी नदी नहीं बहती है? रूपारेल नदी का संबंध आपके राजस्थान से है, और उसी प्रकार से अगर अपन बात करें माही नदी का कॉन्टैक्ट अपने राजस्थान से है, लूनी नदी का कॉन्टैक्ट अपने राजस्थान से है, लेकिन आपके जो ताप्ती नदी है इसका राजस्थान से कॉन्टैक्ट है ही नहीं। तो राजस्थान से होकर कौन सी नदी नहीं बहती आपकी? ताप्ती नदी। और पांचवा क्वेश्चन अपने पास में है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो देखो AW के अंदर आपके दक्षिण वाला क्षेत्र आता है, और दक्षिण के अंदर अगर अपन बात करें तो आपके झालावाड़, इधर आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक आपका सिरोही का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। तो इसके अंदर अपने को स्वीकार करना होगा कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र। और सातवें नंबर का क्वेश्चन है पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचपदरा आपके खारे पानी की झील कहां पर है? तो ये सबका आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके बाड़मेर के अंदर है। इसके अंदर मार्कर, हाँ, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो यहां पर पूछा कि करौली के अंदर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बांध बरेठा नहीं है, एक आपका गजनेर नहीं है, सोरसन नहीं है, अपना कौन सा आ जाएगा? आपका केला, केला देवी। और केला देवी आपका अभ्यारण्य कहां पर है? करौली के अंदर है। इसके बाद में नौवां क्वेश्चन अपने पास में है कि सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, तो ये कौन सा वाला है? तो रणथंबोर में है नहीं, एक आपका देखो झालाना ढूंगरी अपने कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? झालाना। इसके बाद में लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किस जिले के अंदर पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो इसका आंसर अपने पास में होगा आपका बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में है निम्न में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो राजस्थान में आपका वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो वो अपने कहां पर है? आपके उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन अपने हो गए, और 11 के बाद में आपका 12वां क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो ये मरुस्थलीकरण का कारण पूछ रहा है कि कौन सा कारक ऐसा है जिससे मरुस्थल नहीं बढ़ेगा। देखो एक आपका अधिक जुताई से बढ़ेगा, अधिक चराई से बढ़ेगा, अधिक जनसंख्या से बढ़ेगा, लेकिन जैविक खेती इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जैविक खेती से आपके मरुस्थल का कारण नहीं है। इसके बाद में निम्न में से राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा? आपका रोहिड़ा है। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर, राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा लॉन्च किया था? तो देखो इसके अंदर आपके मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके लॉन्च किया था उसका नाम था आपका राजवायु, और ये आपके वसुंधरा राजे सरकार के समय आपके लागू किया गया था आपके राजवायु। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भांगड़ा नांगल नहर परियोजना, और ये ऑप्शन देखते ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया होगा कि भांगड़ा नांगल नहर परियोजना ये कौन कौन से राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपके राजस्थान, एक आपका कौन सा है? राजस्थान है, राजस्थान के अलावा पंजाब, और एक आपका कौन सा है? हरियाणा। लेकिन जल विद्युत उत्पादन के अंदर आपके हिमाचल प्रदेश का भी इसके अंदर वो रहता है, लेकिन अपना डायरेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान, पंजाब और एक आपका हरियाणा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि कंवर सेन लिप्त नहर परियोजना के पानी का, इसका जो पानी है उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो कौन से जिले को उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो ये आपका डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बीकानेर। इसके बाद में ICR के द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखना इसका आंसर तो होगा आपका 10 क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है। कितने के अंदर भाई? ICR के द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है? तो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र अपने कितने हो गए? आपके 10। वेरी गुड। इसके बाद में है 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखो ऊन उत्पादन के अंदर कौन सा स्थान हो जाएगा? आपका फर्स्ट स्थान हो जाएगा। तो ऊन उत्पादन के स्थान कौन सा हो गया? आपका पहला। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि निम्न में से राजस्थान में लंबाई
निम्न में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH71B। और राजस्थान में टंगस्टन कहां पर पाया जाता है? तो डेगाना आपका कहां पर है? नागौर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वही आपके सोम, जाखम और एक आपका माही। तो जाखम बांध आपके राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो आपका सूरतगढ़ आपके गंगानगर के अंदर है। कहां पे है? सूरतगढ़ गंगानगर। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन आपके सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो ये क्वेश्चन तो आपको देख के ही बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि राणा हमीर को माना जाता है, क्योंकि राणा हमीर ने आपके सिसोदिया वंश की आपकी नींव डाली थी, स्थापना की थी। और बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बेराट शिलालेख और आपके लघु शिलालेख की खोज की थी, इनका कॉन्टेक्ट किससे है? तो आपके सम्राट अशोक से है। यहां पर भाबरू अभिलेख भी मिला था अगर आपको पता है। तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया होगा देखते ही, तो आंसर स्वीकार करना होगा आपका अशोक। अगला क्वेश्चन है कि लूनी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो देखो, यह क्वेश्चन शिवालय क्लासेस की तरफ से आपको स्वीकार करना होगा कि उत्तर पुराना पाषाण काल, ठीक है। तो यह एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपको आंसर शिवालय की तरफ से मानना है आपको उत्तर पुराना पाषाण युग। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखना, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राजा राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि दिवेर की लड़ाई और दिवेर का युद्ध आप सबको पता ही है कि 1582 के अंदर हुआ था, और दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच के अंदर हुई थी? तो आपके महाराणा प्रताप और एक आपके अकबर के बीच के अंदर हुई। अगला क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर आपके भगवान शिव, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग आपका स्थापित हुआ है? तो देखो, ज्योतिर्लिंग आपका कौन सा? आपका 12वां ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य आपके किस अवसर पर किया जाता है? तो देखो, आपके बच्चे के जन्म पे नहीं किया जाता, विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता, मानसून के ऊपर किया नहीं जाता, तो ये आपका कब किया जाता है? आपके होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। राधे राधे। इसके बाद में देखो, अपन बात करते हैं कि लोक देवता गोगा जी की समाधि, अच्छा गोगामेड़ी आपके कौन से जिले के अंदर? बिल्कुल देखते ही आपको आंसर पता चल रहा है कि आपके गोगामेड़ी आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो इसके अंदर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? हाड़ोती। अगला क्वेश्चन अपने पास में कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्न में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? वैसे ये सारे क्वेश्चन जो बच्चे क्लास के अंदर लेते होंगे, मेरे को लगता है कि उनको देखते ही आंसर आपका आ चुका होगा कि रणकपुर जैन मंदिर के बारे में बहुत बार बताया था कि रणकपुर जैन मंदिर के अंदर प्रथम जैन तीर्थंकर जिनका नाम क्या था? आपका ऋषभदेव। और ऋषभदेव को अपन क्या बोलते हैं? आपके आदिनाथ। तो इनके अंदर जो मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है, क्लास के अंदर कभी बहुत बार ये भी बताया था कि अगर मान लो रणकपुर जैन मंदिर आ गया तो सारी दुनिया उसको आंसर को करके आएगी, लेकिन रणकपुर जैन मंदिर के अंदर किसकी प्रतिमा है? क्योंकि आपके जैनों के टोटल तीर्थंकर कितने हैं? आपके 24। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपके महावीर स्वामी। लेकिन पहले तीर्थंकर की प्रतिमा इसके अंदर है और उनका नाम क्या? आपका ऋषभदेव। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो देखो, मरुभाषा के लिए सबसे पहले प्रयोग आपके कवि कुशल लाभ के द्वारा किया गया, लेकिन यहां पर बात आ रही कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया था। निम्न में से कौन सा नाटक भवई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? और इसका आंसर होगा आपका जसमा ओढ़न। लगाओ ना, इसका आंसर अपने पास में क्या होगा? आपका जसमा ओढ़न। बहुत सुंदर। अब देखो, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे?
तो बूंदी किसान आंदोलन के जो नेता थे वो थे आपके पंडित नयनूराम। तो नयनूराम तो यहां पर है नहीं, और आंसर अपने को मानना पड़ेगा नयनूराम। इसके बाद में निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो देखो यहां पर राजस्थान के वैसे सारे गजल गायक ही, लेकिन राजस्थान से और जिसका गंगानगर से जिनका कॉन्टेक्ट है उसका नाम आपके जगजीत सिंह। 37 वां क्वेश्चन है, 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? क्लास के अंदर मैं बहुत बार बताता हूं, आपके गिंगोली का युद्ध याद कर लो आप, और तीन रियासत के तीन राजाओं के बीच के अंदर हुआ था, मेवाड़, मारवाड़ और एक आपका आमेर। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को आंसर स्वीकार करना होगा आपका सवाई जगत सिंह। दो बार उंगली करते हुए इसके अंदर आपका आंसर होगा आपका सवाई जगत सिंह। वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि एकी आंदोलन के नेता कौन थे? तो एकी आंदोलन के नेता कौन थे आपके? मोतीलाल तेजावत। और भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? ये तो अगर मान लो कोई पढ़ता भी नहीं होगा तो भी आपका आंसर सही हो जाता। तो एकीकरण कितने चरणों के अंदर हुआ था? आपके 7 चरणों के अंदर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो इसके अंदर आंसर अपना होगा आपका अंजना देवी चौधरी। ठीक है, तो जीके का तो मैं मानता हूं कि बहुत ठीक था आपके पेपर था। छाबड़ा जिसका उत्तर है उसमें सूरतगढ़ उत्तर आएगा। अगर छाबड़ा अगर मान लो उसके अंदर है ना तो सूरतगढ़ ही आएगा। ठीक है, लो आ जाओ सर एक बार। अब आपको देख लेना एक बार सर कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, और मैं मानता हूं कि आप सबका पेपर मस्त हुआ होगा। तो अभी जाना नहीं, यहीं पे रुकना, भी आपका डिस्कस करेंगे सर। वो वीडियो खुली हुई है। हाँ भाई आ जाओ सारे के सारे, अभी कट ऑफ का डिस्कशन अपन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के फ़ोन आने लग रहे हैं जब से एग्ज़ाम हुआ है, सर कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। तो 2018 का डिस्कशन, सॉरी 2018 को देखने के पश्चात, और दूसरा भाई अपन बात करें 2018 में 17-18 जाने दिए थे, अभी 28,000 से 30,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। पहली बात तो संख्या बढ़ी है, ठीक है, बात करें अपन पहली बात तो क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर अपन बात करें तो संख्या बढ़ गई है ना। संख्या की बात करें तो लगभग अपने 10,000 लोग यहाँ पर बढ़ गए एग्जाम देने वाले, सीधी सी कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें एग्जाम का लेवल क्या था। ठीक है, एग्जाम का लेवल की अपन बात करें, लेवल अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, सब्जेक्ट की अपन बात करें तो सब्जेक्ट पिछली बार से अपन बात करें तो टफ आई है। ठीक है, पिछली बार एकदम लल्लू क्या था भैया आपका पेपर था, मतलब देखते ही मजा आ जाया है क्या पेपर आया है ना। ये वाला पेपर थोड़ा सा अपन बात करें कि ज्यादा सोच समझ के, पिछले वाला पेपर बिना सोचे समझे बनाया गया था, ये वाला पेपर ज्यादा सोच समझ के बनाया गया है, समझ रहे हो ना, मतलब अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही लगाया बनाने वाले ने, इतना भी नहीं लगाना चाहिए कि एलएसए का एग्जाम बनाते समय। जैसे बॉस ने भी बताया तो अपन बात करें 15 क्वेश्चन जो थे है ना, 15 क्वेश्चन जो ऐसे थे घुमा फिरा के यहां पर दिए गए थे। क्लियर है मेरी बात, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, जीके की। ठीक है, जीके का वही लेवल था जो पिछली बार था, 2018 में जो लेवल था वही लेवल इस बार है, जीके कोई टफ नहीं है, जीके का लेवल एकदम ईजी था। ठीक है सर, कट पिट कर 70-75 होंगे, अभी जोड़े नहीं है, क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। सूरतगढ़ 2800, सर 100 करें या काफ़ी सारे गलत हैं, चलिए है ना। तो फाइनल पूरा डिस्कशन कर करा के, पूरे अनुभव की अपन बात करें, उसको लगा लगू के अपन डिस्कशन करें, लास्ट में कट ऑफ जो जाएगी जनरल की, किसकी बात करें अपन, जनरल। इसमें देखो बॉयज और गर्ल दोनों की मैं एक साथ बता रहा हूं है ना, बस एक दो क्वेश्चन का ऐसे फर्क रहेगा बॉयज और गर्ल्स के अंदर। तो जनरल की अपन बात करें, जनरल की जो कट ऑफ है अपनी वो लगभग 93 से 97 क्वेश्चन। अब मेरे सुनने में आया कि भाई लोग बता रहे हैं कि कठोप साहब
108 क्वेश्चन जा रही है जनरल की, 105 क्वेश्चन जा रही है, संभव ही नहीं है। इस एग्जाम को एग्जाम के लेवल को लोग कह रहे हैं एससी एसटी में 88 क्वेश्चन जाएगी, मजाक नहीं भाई। देख 88 क्वेश्चन इस पेपर में सही करना एलएसए के हिसाब से काफी टफ काम है, ठीक है ना। तो कट ऑफ में जनरल की आपको बताऊं, ओबीसी सॉरी जनरल बॉयज और गर्ल्स की बात करें 93 से 97 कट ऑफ रहेगी। इसमें बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स आप मान सकते हो कि भाई एक दो क्वेश्चन बॉयज से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी की बात करूं, देखो अपन तो बात करते ही हैं और करते आए, बाकी सारी डिटेल में और भी अच्छे से डिस्कशन करने के लिए हमारे शिवालय क्लासेस के डायरेक्टर हैं राजेंद्र चौधरी सर चहुमुखी, जो पिछली बार 2018 में पहली रैंक पंकज गोठवाल निकालने के लिए जाने जाते हैं, विश्वविख्यात हैं। तो राजेंद्र चौधरी सर का स्वागत करना चाहूंगा, वो और अच्छे से आपको अभी कट ऑफ के बारे में पूरा डिस्कशन बता रहे हैं, है ना। तो ना बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 93 से 97 ये इससे ज्यादा नहीं जानी है रे। तो राजेंद्र चौधरी सर को मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा कि सर डिस्कशन करें थोड़ा सा लाइव के बारे में, बच्चों को बताएं। राजेंद्र सर मैं तो खतरे में हूँ फिर सर, स्पोर्ट्स कोटा की कितनी रहेगी? स्पोर्ट्स कोटा की कुछ नहीं है, अपन बात करें कि 75-80 क्वेश्चन के आसपास रहेगी। मेन मेन कैटेगरी बात करें तो 93 से 97 ये जनरल की है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो बताओ तुम्हारे हिसाब से तुम क्या सोचते हो, फिर हम बताएंगे अपनी ओबीसी कट ऑफ, बताओ आप आपके हिसाब से क्या रहेगी। नहीं पेपर इजी नहीं था, देख जिसने इंग्लिश पढ़ ली नहीं पढ़ी इंग्लिश से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेवल लैंग्वेज जो थी वो टफ थी, ठीक है ना, ये है। बाकी ओबीसी की आपके हिसाब से कितनी जानी चाहिए वो बताओ, फिर राजेंद्र सर आपको बताएंगे ओबीसी की जनरल की और एससी एसटी कितनी जाएगी, सब बताएंगे। गुरु जी कट पिट के 97 ये बता रहे हो आप ओबीसी की, राजेंद्र सर बताएंगे भाई। शिवालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और डीएस सर ने और फौजदार सर ने सारा सब कुछ बताई दिया, मनीष जी ने आपको सब कुछ बताई दिया बेटा। तो अब मैं कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी कट ऑफ के लिए बार बार बोल रहे हैं कि कट ऑफ, स्टूडेंट के ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ ये भी। तो कट ऑफ के लिए मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से आप लोगों को। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो सुपरवाइजरी कट ऑफ बताई थी मैंने, उसके अंदर भी सुपरवाइजरी की जो कट ऑफ बताई थी, वेरियंस जो बताया था, एक भी चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे एमबीसी हो चाहे तुम्हारा टीएसबी हो, सिंगल नंबर का वेरियंस नहीं था। तो वैसा ही पूरा तो मैं 8 दिन के बाद जब आऊँगा जब कन्फर्म जिसके अंदर सिंगल नंबर का वेरियंस नहीं है, लेकिन अभी भी लगभग यानी 95% तो एक्यूरेसी के साथ ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को। भाई जैसे बॉयज और गर्ल्स आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है भाई। देखो जनरल की जो कट ऑफ है, क्यों काफी फोन आ चुके हैं, मैंने एनालिसिस किया है, कमेंट्स क्या रहे मैं कमेंट्स भी देख लेता हूँ। हाँ कमेंट्स क्या बोले, ओबीसी 90। हाँ पहले जनरल लिख रहा हूँ, सारे देखे जुड़ रहे हो, जनरल का लिखो सब लोग आप, भाई जनरल वाले देख रहे हो ना, तो जनरल का लिखो सब लोग, फिर मैं लिखता हूँ। सर बहुत मेहनत की है, 80 सही है एससी से। हाँ अभी मिला लेना भाई, जो बता दिया वो एग्जैक्ट रहेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई पेपर देखो जीके इजी था, आपको ऐसे लग रहा है जीके इजी था, लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से आया, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो जाएगी बेटा 94 से लेके 97, जो 94 पे वो बॉर्डर पे है, जो 97 पे है 96 पे है वो सेफ जोन में है, समझ गए आप लोग। आप खुद ही अंदाजा लगा लेना, जो मैंने यहां लिखा है ना, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, इस तरह से ये लिखा है मैंने, ये नौकरी का चांस है। 94 आ रहे तो ये देख लो, ये रही जनरल की ये कट ऑफ है। गर्ल्स का वेरियंस 5 से 6 नंबर रहता है, गर्ल्स का जो रहता है ना वेरियंस वो 5 से 6 नंबर का रहता है। तो 88 से लेके और 92 तक
ये गर्ल्स की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ है बेटा। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे पास लड़कों फोन ला रहे थे 118 सही हो रहे, मैंने बुलाया उसको पकड़ के बैठने के मिला तो उस बाद में पता लगा कि 107 ही हो रहे, 105 ही हो रहे, जो बोला था कि मेरे तो 114 सही है, अरे मैं कहा मेरे पास मैं बिलाता हूँ तो इसके 103 ही सही हो गए। तो इस तरह से हवाई बातें करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो तो इस हिसाब से आएगी भाई। फिर ओबीसी, आप जनरल वाले लिखो, देखे पहले ईडब्ल्यूएस लिखू क्या, ईडब्ल्यूएस लिख देता हूँ साथ की साथ ही। हाँ जनरल वाले देख तो टेंशन में आ गए होंगे, खोरो बोल रहा है कि सर एक्सपीरियंस के नंबर ऐड नहीं। हाँ एक्सपीरियंस कहाँ लगेगा भाई, एक्सपीरियंस को सर्टिफिकेट मांगा है क्या? नहीं। तो आगे देखो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस बेटा बहुत, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 82 से लेके 85 तक, और गर्ल्स की जाएगी 70 से 75 EWS की कट ऑफ। और फिर आ जाओ आप लोग ओबीसी, हाँ EWS वाले बोल दो देखे, सर जल्दी बताओ, अरे कहाँ जाओगे जल्दी देख के, अरे सही तो बता रहा हूँ क्या आपको लग रहा है क्या सही बता रहे हैं सर? अच्छा अब आ जाओ ओबीसी, ओबीसी कट ऑफ जाएगी बॉयज की 90 से लेके 93, बच्चों को ऐसे लगता है लेकिन जो लिख दिया बेटा लगभग भोले कृपा से अभी तक तो एक्यूरेसी रहती है, इसके अंदर कहीं बदलने की जरूरत नहीं होती। विपुल राजपुरोहित बोल रहा है जल्दी जल्दी बताओ हमको, आपको हम आपकी तरह फ्री नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी है। बेटा कल कौन मना कर रहा है तेरे को, हम रोक रहे हैं क्या तेरे को, तेरे कम आ गए होंगे नंबर इसीलिए बहुत जल्दी अगली वैकेंसी की तैयारी करने लग गया। बढ़िया बढ़िया है, ओबीसी 90 से लेके 93 तक जाएगी और गर्ल्स की जाएगी 86 से लेके 90 तक जाएगी भाई, मैक्सिम 90। गर्ल्स को ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये और मैं बता देता हूँ। फिर आ जाओ आप लोग एससी, एससी कट ऑफ जाएगी, एसटी से ज्यादा रहती है कट ऑफ 80 से लेके 82, और गर्ल्स की कट ऑफ जाएगी 65 से लेके 70 तक एससी के अंदर, और एसटी के कट ऑफ है, आवाज आ तो रही है क्या सर? एससी की जो कट ऑफ है ये तो बता ही दी रहे मैंने, एसटी की जो कट ऑफ है वो जाएगी तुम्हारी 78 से लेके 81, और गर्ल्स की जो कट ऑफ जाएगी एसटी की वो जाएगी बेटा 70 से 75। अब क्या बच गया, एमबीसी, एमबीसी कितनी लिखू देखा आप ही बता दो मेरे को, ये जाएगी बेटा 79 से लेके 81, और गर्ल्स की कट ऑफ जाएगी तुम्हारी 65 से लेके और 67 मान लो 65 नहीं तो 67 से लेके 70 तक मैक्सिमम। एमबीसी गुजरों के अंदर लड़कियां बहुत कम होती है बेटा, और टीएसपी की भी बता देता हूँ, पिछली बार सुपरवाइजर में टीएसपी की नहीं बताई थी तो बच्चे लास्ट तक कहते सर टीएसपी बता लेते थे तो हम 2-4 महीने पहले आराम से सो लेते, बच्चे बोल लेते थे टीएसपी की भी टाइम पे बता देते तो 4-5 महीने आराम से सो लेते, तो आज टीएसपी की बता देता हूँ मैं आपको। टीएसपी आवाज नहीं आ रही,
आ रही है आवाज? तो टीएसपी का जो है वो आएगा बेटा कट ऑफ 70 से लेके 75, और गर्ल्स की टीएसपी की जो कट ऑफ है वो जाएगी बेटा 60 से लेके 65, ये मैक्सिमम है। तो ये कट ऑफ की ज्यादा चिंता हो रही थी, तो ये तुम्हारा रिजल्ट रहेगा बेटा, क्योंकि जीके इजी था, क्योंकि जीके में स्टूडेंट 30 प्लस स्टूडेंट कर रहा है, तो सब्जेक्ट में जैसे 80 है तो जो भी स्टूडेंट 90 प्लस कर रहा है इसके, वो सॉरी 60 प्लस, यानी टोटल 90 हो गए ना, 60 प्लस स्टूडेंट कर रहा है, ये देख लो आप भाई। इस रेंज का लगभग जो 30 प्लस और 60 प्लस है वो लगभग स्टूडेंट सेफ जोन में है, ये मानो आप। मैं 94 से 97 डाला मैंने कट ऑफ, तो जीके लगभग स्टूडेंट को 35 तक जीके किया स्टूडेंट ने ज़्यादातर, ये है। जीके बहुत इजी था बेटा, सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा था भाई, सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट ने सब्जेक्ट में 60 प्लस किए हैं उसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, ये मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरी कट ऑफ ये जाएगी। तो मैं शिवालय की तरफ से सभी गुरुजन जन और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था, जितने भी टाइपराइटर है, जितने भी टेस्ट लेने वाले हैं, उन सबको तहे दिल से शिवालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। क्यों बेटा, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 के अंदर पंकज ने फर्स्ट रैंक लगाई थी, तो इस बार भी मेरे स्टूडेंट, पिछली बार अंडर 5 में 3 थे, तो इस बार अंडर 5 में 4 आ जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। वही टीम है, वही डीएस सर है, वही बीपी सर है, वही डॉक्टर एचएस राठौड़ है, जादौन सर है, वही ज्योग्राफी वाले मूलचंद जी, संदीप जी, वही सारे स्टाफ है, और हर्षी फौजदार है, आपको पता है। तो इस तरह से कहीं कोई कमी नहीं रखी है, तो इसीलिए स्कूली शिक्षा में पहली बार उतरे हैं, तो हमारे को बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कैसे कट ऑफ बता रहे हो। बेटा ये अनुभव बोलता है हमारा, कई सालों से स्कूल चला रहे हैं, एग्रीकल्चर वाला और स्तर में 98% आई, पिछली साल स्कूल चालू किया था 2022 के अंदर, तो ये अनुभव है बेटा कि किस तरह से आएगी कट ऑफ। लगभग तुम्हारी यही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो कम पढ़ा उसको ऐसे लग रहा है कि कट ऑफ सर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन नहीं, कट ऑफ बेटा यही रहेगी आप लोगों की, क्योंकि पिछली बार से पोस्ट भी कम है, इस बार 1436 पोस्ट ही है, तो ये कट ऑफ रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सबको भी शिवालय क्लासेस के यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हार्दिक शिवालय परिवार की ओर से बधाई देते हैं, थैंक यू।